बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छोड़ा आयो छी लाकत लीला एरिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के इन पाऊँ तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातों पल न बाड़ू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा देने योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार। बोले श्री प्राणनाथ प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी सबसे प्रथम तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाधार सुंदर शाह जी कल के प्रसंग में हमने जो अंतिम में देखा वैसे तो नवानगर के कई घटनाक्रमों को देखा उसमें मिहराज को जो 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ के धनी के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम नहीं था प्रेम तो था लेकिन पूर्ण पहचान अभी नहीं हुई थी तो अपनी मन की परीक्षा और मन की परीक्षा में भी हमने देखा सुंदर सा जी कि अपने जो गहने धन संपत्ति जो भी थी वो आदि के चरणों में पहुंचाई और अपनी मन की परीक्षा बाजार में भी ली। ऐसे कर करते सुंदर सा जी मन को बहुत कठिन साधना पर कठोर साधना में उतारे और उसके बाद एक बार उसका ध्यान परम धाम में पहुंच भी गया मूल तन परात्म तन में और धाम को भी देख लिया। उसके बाद माया का काम सौंपा गया अहमदाबाद गए महेश्वर तंत्र पुराण संहिता संहिता कुमार और उसके बाद हमने अंतिम में देखा सुंदर सा जी के अरब में खेता भाई वाले घटनाक्रम को कि कैसे माया में डूबे थे और अपनी पवित्र कमाई के पैसे नहीं थे नीति के कमाई के पैसे नहीं थे तो धन संपत्ति नहीं सुंदर साथ की सेवा में काम आई सब कहाँ चली गई राजकोष में थोड़ी जल में डूब गई और थोड़ी गोदाम में आग लग गई। मिहराज ने तो बहुत प्रयत्न किए तो हमने कल नीति ऊपर भी बहुत विस्तार से देखा कि सुंदर सा जी जितनी भी कमाई हो नीति की होनी चाहिए और ये खेता भाई का कोई प्रसंग नहीं था हम सब सुंदर साथ का था कि हम एक काम के लिए कितने झूठे बोलते हैं कितने गलत बोलते हैं तो इस पर ये प्रसंग से हमने ये भी समझा और उसके आगे हमने देखा कि वो जब अरब से वापस लौटे तो 2 साल जब वालबाई के कहने पर प्रणाम नहीं स्वीकार किया ने कल और 2 साल एक ही गांव में सदगुरु भी सामने नहीं सदगुरु बुलाते नहीं इंद्रावती जाती है दोनों के दिल इतना व्यथित इतना दुखी है और उसके आगे 2 साल कहाँ रहे ध्रोल में कलाजी ठाकुर के वहाँ और वहाँ से और अंदर से अंतस्मरणा हुई क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जिसकी जो अंदर की सुरता वो निज धाम लौटने वाली थी वापस परम धाम बस अंतर ध्यान लीला का समय आ गया तो बार बार बुला रहे कि बस मिहराज को बुलाओ मिहराज को बुलाओ। कल मैंने यह भी बात रखी कि अपने यहाँ के वारिश में तो कौन है यहाँ के वारिश में तो
बिहारी जी तो है लेकिन बार बार मिहराज को क्यों बुला रहे हैं, बार बार मिहराज को बुला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इंद्रावती की आत्म बैठी थी पहले भी पहचान लिया था ने, जब मिलन हुआ तभी पहचान लिया था कि संपूर्ण जागणी का उत्तरदायित्व इंद्रावती तेरी आत्म पर है, तो बार बार बुला रहे और इंद्रावती की आत्म को निर्मल जो आत्म है परम धाम की वो पहचान भी लिया है ना उस सुंदर साथ जी उसने, तो बार बार बुला रहे, नहीं तो मैंने बताया कि रक्त के शबन से तो कौन है, बिहारी जी है। फिर पहले वालबाई गई, दो बार बीच में बिहारी जी भी गए और बार बार बोलते कि बिहारी जी क्यों नहीं आ रहे, मिहराज क्यों नहीं आ रहे है। मेरे को याद आ रही है कि जो सिंधी भाषा में वो भजन गाया करते थे, जान ओण कोड धड़ 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 कोड मत्था 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 कोड मुंह 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 मोड़ कोड कर जीवन सुंदरसा जी ऐसे जो, और हितरा मेही जी तो ही जा ताजे गुण गिनन भाल तो ही जे इकड़ी ताजे गुण न सग पुनीते न सगन। सुंदरसा जी ऐसे जो सिंधी भाषा के जो भजन मिहराज पहले सदगुरु के पास जाते थे तभी सुनाते थे, तो वही बात की भी याद दिलाई। अंतिम ने हमने सिर्फ दोनों का मिलन बताया, फिर हमने बात छोड़ दी थी, तो हम फिर इस आज इसलिए दोहरा रहे हैं कि वो प्रसंग जोड़ जाए। सुंदर साहब जी तो अंतिम में बार बार मिहराज को याद करते थे कि उसको बुलाओ, क्योंकि मिहराज पहले सदगुरु के पास जाते थे तो ये भजन के जो माध्यम से ये दोनों जो अभी चौपाइया बोली ने उसके माध्यम से क्या कहना चाहते थे कि हे सदगुरु महाराज आपके अंदर बैठे हुए में जो धाम धनी की पहचान की है, वो धाम धनी का जो गुणगान गाना है ना मेरे जिह्वा से, तो ऐसे जान उन कोड़ धड़ करोड़ों धड़ हो, एक धड़ में करोड़ों सिर हो, एक सिर में करोड़ों मुख हो और एक मुख में करोड़ों जिह्वा हो, तो भी धामधनी आपके गुण में नहीं गा सकती। ऐसे धामधनी सुंदर साजी इंद्रावती के मुखारबिंद से प्रकाश गुजराती में गुणों के प्रकरण के अंदर भी बताया है कि परारध तक गुण गाए ने, तो भी अंतिम में बताया कि धामधनी जो मैंने तुम्हारे गुण गाए ने परारध तक, एक पर एक शून्य और एक शून्य और एक शून्य, ऐसे 35 शून्य, एक पर 35 शून्य परारध तक गुण गाए, लेकिन बताया कि धामधनी आपके गुण अभी तो मैंने इस समय के गाए, ब्रज और रास की तो बात में करती भी नहीं हूँ, क्योंकि धामधनी आपकी तो महिमा ही अनंत है, आपके तो गुण ही अनंत है, कोई गाए नहीं सकते इस झूठी जुबान से, इस संसार की जुबान, ये संसार की गुण अंग इंद्रिया, ये संसार की जिह्या, इससे हम आपके गुण नहीं गा सकते। तो यहाँ बार बार याद कर रहे और अंतिम में जब वालबाई गई और वालबाई ने बताया कि हे सदगुरु हे मिहराज आपको सदगुरु महाराज बार बार याद कर रहे क्यों नहीं आ रहे हो, तभी मिहराज के अंदर एक अंदर इतनी याद जगी कि मेरे को अभी, और अंदर से दुखी भी हो गए कि अरे मेरे को अभी तक किसी ने सत्य बताया ही नहीं कि आपको बार बार सदगुरु महाराज याद कर रहे बुला रहे, ऐसा कोई सफाई करके सत्य बात बताई ही नहीं है। तो हमने अंतिम में देखा कि धामधनी ने जो विरह को खटरुति में बहुत इतना पराकाष्ठा का विरह प्रकट किया है इंद्रावती के मुखारबिंद से, कि मैंने कल भी बताया था कि जो आगे वाला 1 से 8 नंबर तक का प्रकरण है वो पूरा जो वालबाई के दबाव से प्रणाम नहीं स्वीकार किए और उसके बाद का जो उद्धव अक्रूर करके, तो ये सब बात हमने कल अंतिम में ले ली, उद्धव को क्या किया और अक्रूर को क्या किया, तो वालबाई सुंदरसा जी उद्धव है और बिहारी जी अक्रूर है, क्योंकि अक्रूर तो 4 दिन का कहकर गए थे कि मैं 4 दिन में वापस मथुरा से कृष्ण जी को गोकुल छोड़ दूंगा, लेकिन वो वापस नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो अंतिम में उद्धव आए तो उद्धव ने हमारे कृष्ण जो हमारे से एक पल अलग नहीं है, गोपियों ने बहुत सुंदर वर्णन एक रूपक अलंकार के माध्यम से धामधनी ने खटरुति में बहुत सुंदर अच्छा वर्णन करवाया इंद्रावती के धाम दिल से। सुंदर साजी इसमें यह बताया कि जब उद्धव संदेश लेकर आए ने गोकुल में, तभी बताया कि निराकार परमात्मा का आप ध्यान करो, उसकी योग साधना करो, तभी गोपियों को बहुत कष्ट हुआ था, बहुत दुख हुआ था,
उसको ऐसा लगा कि हमारे दिल से एक पल के लिए भी हमारे प्रियतम अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं। और आज तू साकार और निराकार के परमात्मा की क्या बात करने के लिए आए हो? हमारे से हमारे कृष्ण एक है। जो अलग होते तभी तो हम किसी का ध्यान करते, समझ गए? मान लो हमारे दिल में धनी हमारे दिल से अलग होते तो उसका ध्यान करना हो, तो मान लो आज हमारे धाम धनी हमारे धाम दिल में विराजमान है, लेकिन हमारे अंदर एक माया के फरामोशी के पर्दे है ना, जो हम दिख नहीं रहे ना धाम धनी को। इसलिए वाणी की सेवा पूजा के माध्यम से, वाणी के पठन के माध्यम से, या ध्यान चितवनी के माध्यम से हम धनी को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ गोपियों ने बताया कि हमारे पास ये उद्धव एक ही मन है, उद्धव मन एक है, नहीं 10-20। क्या बोला गोपियों ने उद्धव को? बोला उद्धव मन तो एक ही है, नहीं 10-20। जो एक ही मन है वो भी हमने हमारे प्रियतम के चरणों में रख दिया है, और 10-20 थोड़ी है, तो मैं उस मन से मैं सोचूं उसके बारे में बात। ये बात बताई और आगे बताया कि उद्धव वो मन जो एक था ने, बहुत गहरी बात बताई सुंदर सा जी, गौलोक की शक्ति वाली। क्या बताया कि उद्धव जो एक मन था ने, वो भी कृष्ण लेकर गया है, वो भी हमारे पास नहीं है, वो तो कृष्ण लेकर चला गया। हमारे पास हमारा मन रहता तो उस पर हम सोचते ने। तो यह वालभाई को उद्धव कहकर इसलिए सुंदर साजी के जो मिहराज को कष्ट हुआ कि मेरे सतगुरु स्वयं धाम के धनी मेरे को पुकार रहे थे, और बार बार ये चार बार आए सुंदर साथ बिहारी जी वालभाई, तो भी मेरे को सत्य घटना सत्य बात बताई नहीं। तो अंतिम में हमने यह देखा, और आगे धाम धनी बता रहे सुंदर साथ जी कि आय के मुलाकात करी लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहिया श्री महाराज की आत्म। जब वहां से राज्य प्रबंधक का जो काम था वो सब सौंप कर महाराज जी कहां आ गए? नवा नगर नौतनपुरी आ गए। वहां बोल दिया कलाजी को कि हे कलाजी, हे राजा, मेरे सब ये लौकिक व्यवहार, ये यहाँ का काम, ये कार्यभार मेरे से नहीं हो रहा है, बस मेरे को बार बार यहाँ अंदर से भी एक अंत प्रेरणा मिली इंद्रावती की आत्म के अंदर कि भाई नहीं, बार बार ये सर राजाओं को जी जी करना, बार बार उसके चरणों में झुकना, इससे अच्छा तो धनी के चरणों में मैं चला जाऊँ, ये बहुत अच्छा है, बस बार बार ऐसे राजाओं की नौकरी करनी या उसके चरणों में पड़ना मेरे लिए अंदर से बहुत दुखी कर रहा है। तो ये सब कुछ कार्यभार सौंप कर कहाँ चले आए? नवा नगर नौतनपुरी आए, और आने के बाद जब सतगुरु मार के पास पहुंचे तब कितने साल हो गए थे सुंदर साथ जी? 9 साल की जुदागी थी। कितने साल की? 9 साल की जुदागी थी सुंदर साथ जी। आए थे प्रणाम करने के लिए, लेकिन पर्दा कर लिया था ने, मुंह पर चादर ओढ़ ली थी ने सुंदर साथ जी। देखो जिसकी पहचान के बाद मुंह पर चादर ओढ़ ली, जब देखी तभी क्या हालत हुई होगी। आप सोचिए इंद्रावती की क्या हालत हुई होगी तब उस टाइम पे। आप एक एक चरण को, एक एक बात को आपके दिल में भरकर प्रैक्टिकल वहां जाइए, प्रैक्टिकल वो प्रसंग के ध्यान में डूबिए, वो बातों का चिंतन कीजिए, स्व अध्ययन कीजिए, अंदर अंदर मंथन कीजिए कि उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी इंद्रावती की सुंदर साथ जी। तो वहां जब गए तो सतगुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ऐसे ही पलंग पर बिस्तर पर लेटे थे। वहां जाके उसके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बोला, तो उसने बोला सतगुरु ने कि कौन आए हैं? तब बोला कि महाराज की आत्म, क्योंकि अपने भावों में तो महाराज की आत्म ही बोलेंगे ने, ऐसा हम क्या समझेंगे इंद्रावती की आत्म, लेकिन अपना नाम का परिचय दिया कि मैं महाराज की आत्म आपके चरणों में मैं आई हूं। तो जब झुक के प्रणाम किया सुंदर साथ जी, ऐसे 9 साल की जुदागी क्यों, ऐसे हमारे रंग महल की 9 भौम ई क्यों, 10वीं तो आकाश ही आ गई ने, फ्लोर तो 9वीं है ने, हमारे भी ऐसे क्यों, हमारे अंदर भी गुणंग इंद्रिया भी 9 और 10वां तो मन है ने सुंदर साजी, तो ऐसे 9-9 क्यों, ऐसे भक्ति भी 9,
नौ प्रकार की भक्ति से आगे की भक्ति बताई संसार में भी। नौ का सीमित अंक क्यों? इस संसार में नौ का जो सीमित अंक है उससे परे इस ब्रह्मांड में कोई अंक, क्योंकि नौ के ऊपर शून्य लगेगा ने या एक लगेगा, तो एक बार तो एक आ गया ने, फिर दोबारा तो शून्य या एक लगेगा। तो नौ तक की गिनती, पूरे ब्रह्मांड का गिनती या पूरे ब्रह्मांड का गणित सब कुछ इसमें आ जाता है। वहां सीमित बताया कि मर्यादा, एक सीमित एक हद आ गई, एक पराकाष्ठा हो गई बस नौ के बाद। तो इस संसार में हमारी भी सीमित एक गुणंग इंद्रिया की भी, ऐसे जैसे वैष्णवों को बताया ने धामधनी ने किरंतन प्रकरण में बताया है, किरंतन ग्रंथ के प्रकरणों में, कि वैष्णव किसको कहते हैं। सुंदरसा जी भले ही जाहरी में तो श्री इंद्रावती जी ने आत्म ने और धामधनी ने बैठ कर यह बताया, वो वैष्णव का आधार लिया जो पुष्टि मार्ग गोसाई जी परंपरा, लेकिन यह नहीं है। बातुनी में किसको कह रहे वैष्णव? हम सबको, मत संप्रदाय को बांधकर या संप्रदाय को कोई परिधि में बांधकर बात नहीं कर रहे हैं। वैष्णव उसकी संधि छुट्टी अलग करो, वस प्लस नौ, तो जिसको अंदर, जिसके अंदर जो नव इंद्रिया बैठी है, जो नव इंद्रियों को जो वश कर लेता उसको क्या बोलते हैं? वैष्णव। जो नव इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, उसको बस वैष्णव, वश करना जो नव इंद्रियों को, इसको नहीं बोला। सब आत्माओं के अंदर जो जीव बैठा है, जीव अपने गुणंग इंद्रियों के आधार पर और उसके माध्यम से जो सुख उपभोग संसार का कर रहा है, जो इंद्रिया हमारे अधीन नहीं रहेगी, हमारे बस में नहीं रहेगी, तो मन क्या करेगा? ये इंद्रियों को लेकर संसार के सुख उपभोग में पड़ा रहेगा। ऐसे ही नव भूमिका रंगमहल की, देखो नवी भूमिका बताई, दशमी तो आकाशी आ गई ने। ऐसे भक्ति भी नौ प्रकार की, श्रवण कीर्तन समरण दास्य साख्य वंदनम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, भक्ति भी नौ प्रकार की। दसवीं बताई, लेकिन प्रेम लक्षणा, तो संसार की भक्ति कितनी बताई? सीमित। नव प्रकार की भक्ति बताई। यहां सुंदरसा जी नौ साल की जुदागी, तो क्या बताया? किस हद हो गई बस नौ, इस संसार में हद हो गई नौ से परे, बस कोई यहां अंक है नहीं, मतलब अंतिम तक गिन लो, और अब परारतिक गिनाने उससे आगे भी बहुत गिन लो, लेकिन वहां तो अंतिम आ गया, नौ से बस अंतिम आ गया। तो यहां भी नौ साल की जुदागी के बाद सुंदरसा जी जब चरणों में लेटे हुए, सदगुरु के चरणों में जब प्रणाम किया, तो बोला कि हा मिहराज, क्या तुम आ गए? कितना करार, कितनी शांति मिली होगी। फिर बोले कि अच्छा हुआ मिहराज तुम आ गए, बस मैं बार बार तुमको याद कर रहा था, मैं बार बार सुंदर सात को भेजा, क्या किसी ने आपको सत्य बात नहीं बताई? तो अभी तो नहीं कहते हैं। और फिर बोला कि मिहराज तुम जाएंगे कोई लौकिक काम पर या फिर आएंगे, एक बार सदगुरु ने बोल लिया ना अपने मुख से कि तुम जाएंगे लौकिक काम पर या नहीं जाएंगे, या एक बार जाके फिर वापस आएंगे। तो सुंदरसा जी फिर मिहराज एक बार फिर लौकिक काम पर जाएंगे, तो उसके बाद प्रणाम भी किया और उसको बोला कि हे मिहराज, तुम और बिहारी जी दोनों साथ में मिलकर, भेले मिलकर क्या करना? भोजन करिए। तो साथ में बैठने के लिए जब बोला सुंदरसा जी, लेकिन मिहराज तो बार बार प्रार्थना कर रहा है, किसको? बिहारी को, बिहारी जी महाराज को, लेकिन बिहारी महाराज झुक नहीं रहे। तब सदगुरु महाराज लेटे लेटे देख रहे कि दोनों परम धाम की आत्म हो, ये किसकी बात है? पहले ये ले लो, हमारी बात है। सुंदर साथ के बीच में धामधनी ने बताया ने कि मेरे साथ को जो कटुक वचन कहे ने वो मैं सही हो न जा वही। और धामधनी ने किरंतन ग्रंथ में भी बताया कि जो
ज्यों ज्यों साथ में होते प्रीत त्यों त्यों मोई को होते सुख, ज्यों ज्यों साथ में होते ब्रोध त्यों त्यों मोई को होते दुख। धामधनी ने क्या बताया कि साथ का दुख है ने, मतलब एक सुंदर साथ, ये कोई दूसरे की बात नहीं है, घटनाक्रम नहीं है, ये हमारी बात है कि एक सुंदर साथ को जो दुख देते दूसरे सुंदर साथ, तो वो दुख मेरे से सहया नहीं जाता, क्योंकि दामदनी ने बताया कि सुंदर साथ मान रहे कि मैं तो सुंदर साथ को दुख दे रहा हूं, थोड़ी दामदनी क्यों दे रहा हूं। या दामदनी ने क्या बताया कि जो दुख मेरी सयन को, तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। और सुंदर साथ जी और भी आगे धामधनी बताएंगे। तो यहां एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ अरस परस कितना प्रेम करना चाहिए। सुंदर साथ जी धामधनी हमको प्रेम की बोला ने कि मेरे मीठे बोले साथ जी, तो हुआ तुम्हारा काम, तुम तो मेरे मीठे सुंदर साथ हो, तुम तो मेरे लाडले सुंदर साथ हो। हम मानते हैं कि भले ने सुंदर साथ को कष्ट पड़ा है ने, लेकिन सुंदर साथ का ये कष्ट नहीं है, ये किसका कष्ट है, ये धामधनी को कष्ट पड़े, धामधनी को दुख हो रहा है। या धामधनी उस बात के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को जब दुख देगा तो मेरे को दुख होगा। मान लेना कि मैं धनी को दुख दे रहा हूँ, जो सुंदर साथ को दुख दे रहा हूँ ना, और धनी को, और धनी ने एक जगह वाणी में यह भी बताया कि ओलिया लीला दोस्त कहे, दोनों में नहीं तफावत, बंदगी या की करो या मेरी, बीच में नहीं तफावत, बंदगी मेरी करो या मेरे यार दोस्त मेरे सुंदर साथ की करो, हमारे बीच में तफावत नहीं है। मैंने कल भी बताया था ने कि हमारे सदगुरु कैसे दीपक जलाओ तो सब समान, वो उसके समान बनाना चाहते हैं ने, उसमें कोई गुरु शिष्य या भगवान भक्त ऐसा भेद नहीं है। तो हमारे धामधनी सुंदर साथ पर आया हुआ कष्ट भी नहीं देख सकते, और एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को जब कष्ट देते वो भी हमारे धामधनी देख नहीं पाते, वो बहुत दुखी होते हैं। तो यहाँ भी बोल रहे कि सुंदर साथ जी, जो जो साथ में प्रीत होती है, जो अरस परस अंदर का, जो अंदर का एक मिलन होता है, एकात्म भाव, परम धाम का वाहदत भाव जब अंदर प्रकट होता है, तो मेरे अंदर, क्योंकि हम परम धाम के किस सागर से हम आए हैं, वाहदत के सागर से आए ने, हम सब एक रस है ने सुंदर साची। वहां एक सखी के मन में बात उठे तो 12,000 को पता लगता था ने सुंदर साह जी। तो यहाँ भले हमारा सबका तन अलग अलग है, बताए ने धामधनी ने कि आत्म तो सौनी एक ज दिशे जुजवाते दिशे दे, भले देह अलग अलग है लेकिन आत्म सबके अंदर एक है। जीव का अंतस्करण अलग अलग है, जीव की लीला अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो सबकी एक है। तो धामधनी तो तन की मन की सब आत्म की एक ही जान रहे ने। तो हमारे अंदर जीव के भाव पर या गुणंग इंद्रियों के भाव पर या त्रण गुण के भाव पर जो हमारे अंदर भेद होगा होएगा सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ के दूसरे सुंदर साथ के बीच में, तो धामधनी तो, धामधनी ने वाणी में बताया कि जो बात उठावे मन से वो पहुंचे समय वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगुइन खसम। तुम्हारे और मेरे अंदर जो थोड़ी सी बात यहां उठती ना सुंदर साथ जी, वो बात कहां पहुंच जाती, परम धाम में। एक जरा धनी के और हमारे बीच में एक बात छिपी नहीं रहती है। तो यहाँ बिहारी जी और श्री जी के बीच, मिहराज के बीच जो बिहारी जी मतभेद कर रहे हैं, सुंदर साह जी उसके अंदर भी रतनबाई की वासना थी, लेकिन धामधनी ने रोल ऐसा प्ले करने के लिए उसका हुक्म था कि उसका रोल ही ऐसा था ने, इस संसार के जो सुंदर साह जी एक नाटक का जो एक मंच रचा गया है, तो ये मंच पर हम सब रोल प्ले करने के लिए आए हैं ने, हम सब एक नाटक के पात्र है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई अलग शोभा दी, किसी को और शोभा दी, किसी को अलग शोभा दी, तो सब रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी धामधनी की कृपा से हो रहा है,
क्योंकि दामदनी के दिल की इच्छा का एक अलग थी, जो बिहारी जी नहीं होते तो ये वाणी आज जो उतरने वाली है उतरती नहीं। तो ऐसे भी नहीं देखना, ये रतन भाई है ना परम धाम की हमारी वासना। लेकिन धामदनी ने ऐसा ही रोल प्ले करने के लिए उसको शोभा दी है। तो हम आगे बढ़े, तब साथ में बैठने के लिए, भोजन करने के लिए जब सदगुरु महाराज ने बोला तो सुंदर शाह जी बिहारी जी मना कर रहे। फिर मिहराज ने बोला कि नहीं हे सदगुरु महाराज, मिहराज ने सदगुरु को प्रार्थना की कि आप बोलिए ना उसको कि हमारे साथ ही बैठकर एक ही थाली में हम भोजन ले। तब सदगुरु महाराज ने बोला कि दोनों आत्म परम धाम की हो और दोनों के बीच में ये क्या हो रही है बातें, या रद बदल क्या हो रही है, आप बैठिए ने। तब सुंदरसा जी और भी तककार तो लिखते हैं कि दोनों साथ में तो बैठे सदगुरु महाराज के कहने पर, लेकिन बिहारी जी के अंदर का जो अंदर का भेद था, जो मतभेद हुआ वो अंदर का दूर नहीं हुआ था। साथ में तो बैठे लेकिन एक ही थाली में दो भाग कर अलग अलग कर खाना खाया, ये दूसरे वित्तकार को लालदासी ने लिखा नहीं है सुंदर शाह जी। तो और हम आगे बढ़े, दोनों ने साथ में भोजन लिया और आगे धामधनी हमको बता रहे हैं कि फिर जब भोजन के बाद मिहराज को जब समय मिला तो सदगुरु महाराज के पास बैठे, और बैठने के बाद अरब से लेकर जो जो घटना घटी वो सदगुरु महाराज को सब घटना जब बैठे ना उस टाइम तक की, मान लो आप अभी यही पल यही मान लो कि सदगुरु महाराज के पास दोनों आत्माएं भोजन कर रही है, वही पल तक की सब घटनाक्रम मिहराज ने किसको बता दिया, सदगुरु महाराज को, कि अरब से कैसे कैसे धन संपत्ति किस किस से हाथ में गई और यहाँ कब पहुंची, कैसे पहुंची, कितना कष्ट पड़ा, ये सब बातें बताने लगे। और उसके बाद बोला कि कोई बात नहीं मिहराज, जो भी हुआ है वो धनी के हुक्म से हुआ। उसके बाद सुंदरसा जी जो जागणी का उत्तरदायित्व, कल मैंने बात थोड़ी जोड़ ली थी इसलिए कि मिलन के बाद 22 दिन जो उसका मिलन रहता है, तो 22 दिन उसका मिलन रहा और जो जो प्रमुख बातें थी, मुख्य मुख्य बातें थी, वो सब जागणी की संबंधित वो सब बातें बता दी। और उसके बाद यहाँ धामधनी ने लालदास जी महाराज के धाम हृदय से महामति के शब्दों में बताया, क्या बताया, कि सदगुरु महाराज की सूरत निज धाम फिर गई सुंदर साथ जी। और क्या कहा, 22 दिन के बाद जो जो बातें बतानी थी वो इंद्रावती की आत्म को बता दी। और सदगुरु महाराज ने चौथे दिन की लीला भादरवा सुद विक्रम सवन सवंत 1712 भादरवा सुद 14 दिवसे बुधवारी मध्य रात भई धनी भये अलख। कल हमने प्रसंग को थोड़ा जोड़ दिया था लेकिन प्रसंग बीच का आधा था वो आज ले लिया। तो बुधवार को बिहारी जी को कई सनंद भई, बिहारी जी को थोड़ा मालूम हुआ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन श्री जी तो मिहराज तो अपने घर पे चले गए थे। तो सुंदरसा जी चौथे दिन की लीला पूर्ण करने के बाद पांचवें दिन की लीला प्रारंभ होती है, लेकिन हुआ क्या ये प्रसंग को हम आगे जोड़े। सुंदर साथ को ऐसा लगा 313 आत्माएं तो जगी लेकिन तारतम वाणी का उत्तरण नहीं हुआ था, तारतम वाणी का उत्तरण अभी होगा सुंदर साथ जी। तो तारतम वाणी का उत्तरण न होने के वजह से सब ने मान लिया कि हमारे धाम के धनी परम धाम चले गए। क्या माना, हमारे धाम के धनी परम धाम चले गए और गादी पर कोई विराजमान नहीं है। मैं रोज ही बताती हूं ना सुंदर शाह जी आप सबको कि धाम धनी परम धाम कभी भी जाएंगे नहीं, जहां तक हमारी लीला चालू रहेगी छठे दिन में सुंदर साथी लीला जब पूर्ण नहीं होगी। और धाम धनी ने वाणी में भी बताया कि रह न सकूं मैं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन, मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, रूह मुझ बिना नहीं रह सकती। तो धामधनी छठे दिन की लीला तब पूर्ण होगी कि जब हमारा खेल खत्म होगा, हम जब खेल को पूर्ण रूप से देख लेंगे तभी हम साथ में चलेंगे। और हमने जो बड़ा बड़ा दावा मूल मिला में किया था,
जो कॉल किए थे धामधनी के सामने, तो वो अभी हम दावे निभा भी नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी, तो धामधनी अभी भी खेल को छोड़कर जाने वाले नहीं है। लेकिन वाणी नहीं थी ने, तो सुंदर साथ को क्या हुआ पता है, मैं रोज ही एक बार नाम रूप तत्व और गुण ये चारों की बात बार बार क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि सुंदर साथ को उस टाइम पे भी यही हुआ कि सतगुरु के अंदर शक्ति लीला कर रही थी। किसकी? अक्षरा तीत की, जो आवेश शक्ति जोश के साथ लीला कर रही थी। लेकिन सुंदर साथ ने किसको धामधनी मान लिया, किसको सतगुरु मान लिया? देवचंद्र जी के रूप को, जो नाम धारण किया था। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि पांच दिन तक जो तन धारण किया वो तो यहाँ का था, चाहे कृष्ण का हो, चाहे मोहम्मद का हो, या चाहे देवचंद्र जी का हो, चाहे मिहराज का हो। देखो इस टाइम पे भी सुंदर साथ की हालत क्या हुई कि उसने माना कि हमारे धाम धनी परम धाम चले गए, हमारा नाता यहाँ पूरा हो गया, बस कोई संबंध हमारा रहा नहीं, तो अंदर वाले स्वरूप की पहचान नहीं हुई। तो आगे क्या लीला हुई? तो मूल निस्बत की पहचान। सुंदर साहब जी, निस्बत की पहचान बहुत गहरी बात है। जब तक हम निस्बत की पहचान नहीं कर लेंगे ने, अभी हम कैसे चल रहे पता है? धामधनी वाणी के रूप में हमारे घर में आ गए, वाणी के स्वरूप के माध्यम से। ऐसे हम सेवा पूजा भी कर रहे हैं, मैं रोज एक बार ये बात रखती हूँ, और वाणी मंथन भी कर रहे हैं, ध्यान में भी आज बैठ रहे हैं। लेकिन अभी जो अंदर निस्बत का पता नहीं होता कि मेरा मूल तन वहां बैठा है, मैंने उसको देख लिया, या मूल मिलावे में मूल स्वरूप मध्य में सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वयं मेरे धाम के धनी है। और अंदर से जब हमको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, वही मेरे धाम धनी है, ये संसार में जो मैंने झूठे शरीर धारण किए ये तो नश्वर है, एक दिन ये तो छोड़ना हे सुंदर साथ जी, ये जूठे कुटुंब कबीले के जो हमारे संबंध बने हैं ये तो एक दिन छोड़ना है। तो यहाँ के जो प्रतीक, यहाँ के संसार में जो हमारे गृहस्थी में जो संसार के रिश्तों के साथ हमारा संबंध बंधा है, उसके प्रति जो हमारा लगाव है, उसकी जो हमको पहचान बनी है अंदर से, वो ये पहचान जब धाम धनी के प्रति गहरी बनेगी और पूर्ण पहचान बनेगी, तभी तो नाता की पहचान होगी। समझ गए? वो पहचान हमारे दिल में अभी उठ नहीं रही कि वही हमारे पति है। सुंदर सा जी, एक बार पहचान हो जाती ने तो ये खेल में खड़ा रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। समझ गए? देखो ने मोमिनों ने उस टाइम पे जब पहचान कर ली, वही पल में वहां गिर चुके बंगला जी में, श्वास भी पानी पीना हराम कर दिया ने। सुंदर, हमें तो 400 साल से ऐसे ऐसे आराम में जी रहे, कोई जाने की जल्दी भी नहीं है। समझ गए? इसलिए दामदनी ने वाणी में बताया, देख तू निसबत अपनी मेरी रूह। सुंदर साथ जी, ते तेरे कानों सुने, या धामधनी क्या बता रहे कि सिर्फ इंद्रावती ने नहीं सुना था, जब उतरते टाइम खेल में, जब ब्रज में उतरे हम पहले ब्रह्मांड में, तभी सिर्फ इंद्रावती ने बड़ा दावा या कॉल नहीं किया था, सिर्फ ये दोनों आत्मा या और जो जगी उसने ही सिर्फ कॉल नहीं किया था, तेने तूने तूने भी हे आत्म, तूने भी तेरे कानों से सुना है उस टाइम पे कि हा धनी, एक बार नहीं सो बार देखो अजमाई के, कैसे बड़े बड़े सुंदर साथ जी हमने दावे किए ने और कॉल भी किए ने कि धनी हम नहीं भूलेंगे आपको, या धामधनी याद दिला रहे सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ मूल निस्बत के नाते को भी भूल गए उस टाइम पे, उसने क्या उसकी श्रद्धा उसकी निष्ठा उसका विश्वास उसका ईमान कहां रहा? सिर्फ गादी पर रहा या गुरु पर रहा, या इसलिए तो पहचान नहीं पाए, और नाम पर रहा, क्योंकि जो नाम पर रहा इसलिए उसको ऐसा लगा भाई सतगुरु चले गए, वो धाम चले गए तो तन पंचमहाभूत का था, अंतर ध्यान लीला के बाद हमने हमको पता है ना नव देवरी में उसको सुंदर सा जी समाधि भी दे गई ने, और जो नाम को पहचानते थे सतगुरु के रूप में, और उसको ऐसा लगा कि गादी पर बैठने वाला कोई नहीं रहा, तो बस तीनों ही पहचान की सुंदर साथ सब माया में डूब गए।
मैंने बोला ना 313 आत्माएं जगी फिर माया में सो गई क्योंकि वाणी तब उतरी नहीं थी। और आगे दामदनी ने बताया कि पहले ही ये लोमो भुज में लिखा गया था, किस में? एक कते परंपरा का जो एक धर्म ग्रंथ है लोमो भुज, लो मतलब लोखंड जो हम गुजराती में बोलते ने, तो जो लोहे की तख्ती होती ने उस पर लिखा गया था। कैसे? तो ये बताया कि लोमो भुज में पहले से लिखा था, ऐसा ही घटना घटित हुई। तो जो धर्म ग्रंथ इस्लामिक जगत के लोमो भुज उसमें ऐसा ही लिखा गया था सुंदर साह जी, वो इस्लामिक जगत उस पर ये मानते आ रहे हैं कि एक लोहे की तख्ती है, कहाँ है? तो जबरूत और लाहूत, अक्षरधाम और परमधाम दोनों के बीच में एक लोहे की तख्ती रख दी गई है। उस पर कुरान की जो आयतें लिखी हुई है, जब मोहम्मद साहिब के यहाँ जोश में जब कुरान उतर रहा था, कुरान की आयतें उतर रही थी, तो जबराइल के जोश के फरिश्ते वहाँ से जो लोहे की तख्ती पर आयतें लिखी है वो आयतें जबराइल के जोश लेकर यहाँ आता था और कुरान में लिखते, वो ऐसा मानते हैं। उसको पता नहीं है, क्या पता नहीं है? कि वहाँ कोई परमधाम और अक्षरधाम जबरूत या लाहूत के बीच में ऐसे कोई लोहे की लोखंड की तख्ती रखने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चीज जाती नहीं है तो आने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संदेशा जी धामधनी ने वाणी में बताया कि परम धाम की एक कंकरी उड़ावे चौदे तबक, बताया ने परम धाम की एक कंकरी, वहां से कौन आते? तो 14 लोग का कोई संदेशा जी कोई अस्तित्व रहता भी नहीं है। तो वहां से ऐसे धामधनी ने बताया कि अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दादित साख्यात, परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई में बताया, अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दादित साख्यात, जो कभी आवे मीने शब्द तो चौदे तबक करे रद्द। क्या बताया? ये प्रेम है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम कली अति संकरी या में दो न समाए। सुंदरसा जी प्रेम राज्य के स्वरूप है, राज्य प्रेम के स्वरूप है, वहां जो प्रेम आ जाता तो राज्य मान लो पहचान हो जाती राज्य की। तो बताया कि जैसे अंदर प्रेम आया पहचान हुई तो ये 14 तबक का अस्तित्व आत्मा के लिए रहता नहीं है। तो ये उसका बातूनी भाव यह था सुंदरसा जी कि अक्षरातीत पारब्रह्म की जो सत्य ज्ञान धारा है, जो ज्ञान धारा वो वाणी के रूप में उतरी ने सुंदर साजी, ये ज्ञान धारा वाणी के रूप में उतरी और राज्य के आवेश और जोश के माध्यम से महामति के धाम दिल में ये वाणी की आवेश धारा रस धारा प्रवाहित हुई ने, तो उसको ये पता नहीं था। हम आगे बढ़े तो सुंदर साथ भूल गए और यहां बताया कि पहले से लोमो भुज में लिखा गया था और सब सुंदर साथ अपने घर में माया में चुपचाप बैठे रहे, नहीं चितवनी नहीं चर्चा कुछ नहीं, सब बंद हो गया। क्योंकि चितवनी चर्चा सब होते थे ना, वहां बगीचे में स्थान चर्चा का बन गया था जब वो चुगलखोर ने चुगली कर दी, उसके बाद तो वहां चितवनी चर्चा का सब कुछ बंद हो गया। चुपचाप अपने घर में बैठ गए और किसी का नाता ही नहीं है, हमारे धनी अक्षरातीत है, हम कहां से आए, हम कौन है, ये सब नाते भूल गए कि मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा घर, ये सब बातें मोमिने भूल गए, ब्रह्मात्मा ये सब भूल गई। तो ऐसे में सुंदर सा जी बालबाई आई, क्या कौन आए? बालबाई आई। बालबाई ने बोला, गांगजी भाई की बहन, उसने बोला कि हे महाराज, वो एक समाचार लेकर आई। उसने बोला कि महाराज गद्दी तो आज खाली हो गई, सदगुरु थे तब तक सुंदर साथ आते थे, चर्चा सुनते थे, ऐसे सुंदर साथ की भीड़ लगी रहती थी। देखो सदगुरु महाराज के अंदर साक्षात अक्षरातीत के आवेश लीला करते थे, तो वो गादी की महिमा तो बहुत है और गरिमा भी है महिमा भी है, तो गादी खाली रहनी चाहिए नहीं, तो आप इस पे बार उसके बारे में थोड़ी विचारणा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। फिर आगे वालबाई ने बताया कि हे मिहिराज,
हो गादी में जो धार्मिक क्षेत्र के अधिकारी या वारिस तो आप ही हो, लेकिन नस्ल से ले, वारिस नस्ल से ले, एक वंश में मैंने बोला ना रक्त के संबंध से ले, तो कौन है बिहारी जी? मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, तो चलो बिहारी जी को बैठाना है। तब मिहराज ने बोला कि वो बात तो अच्छी है, मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपने जो सोचा और सब सुंदर साथ ने जो भी मसलत करके सोचा वो बात मैं सिरोधार्य करता हूँ, मेरे सिर पर है, चलो वही काम हम करें। फिर मिहराज ने सोचा कि सुंदर साथ की इच्छा तो बिहारी जी महाराज गादी पर आएंगे, वो सुंदर साथ की इच्छा नहीं है, क्योंकि बिहारी जी महाराज से सुंदर साथ दुखी है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब सुंदर साथ को समझाना बुझाना पड़ेगा, तब सुंदर साथ राजी होंगे। ऐसे सुंदर साथ मानने वाले नहीं है, लेकिन मैं सब सुंदर साथ को समझाऊंगा और सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा और आगे सुंदर साथ भी प्रणाम करेंगे पीछे से। तो चलो बाल भाई, आप सब सुंदर साथ को संदेश दे दो कि कल बिहार जी महाराज को गद्दी पर बिठाना है। तो वो तैयारी में सब लग गए और एक दिन नक्की भी फाइनल भी निर्णय भी ले लिया। तो बिहार जी महाराज को सदगुरु महाराज ने भादरवा शुद्ध चौदस अंतर ध्यान लीला की, और भादरवों के बाद क्या आता है? आसो। आसो महीने में बिहार जी महाराज को सुंदर साजी चाकले गादी पर बैठाया गया। तो आगे के प्रकरण में हम देखेंगे वाणी अवतरण कैसे होगा और बिहार जी महाराज गादी पर बैठे तो क्या क्या लीला होगी, ये धाम धनी हमको आगे के प्रकरण में बताएंगे। बिहार जी महाराज को विक्रम संवत 1712 का ही समय है और मिहराज ने सब जगह पत्र लिखकर सबको संदेश दे दिया, सबको समाचार दे दिया कि बिहारी जी महाराज को सदगुरु महाराज की गादी पर विराजमान किया गया है। तो सब सुंदर साथ को चर्चा सत्संग के लिए यहाँ आना है। सुंदर साथ जी, मिहराज ने क्या किया? सब सुंदर साथ को एकत्रित करके परमधाम की ब्रज रास की ऐसी बातें की चर्चा भी शुरू कर दी और सुंदर साथ को समझाने भी लगे। सुंदर साथ का मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन समझाने लगे कौन? मिहराज। और इतना भी नहीं, और आगे जो सुंदर साथ की इच्छा नहीं थी उसको भी खंडनी और तीखे शब्दों में समझाया, कटु वचनों से भी समझाया कि भाई आपको भले इच्छा न हो, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज की ना जो वंशज में आज रक्त के संबंध से बिहारी जी महाराज हमारे धाम धनी है, उसको गद्दी पर बैठाया है, तो आपको धाम धनी के रूप में मानना पड़ेगा। तो ऐसे समझा बुझाकर सुंदर साथ का मन माया की ओर से हटाकर किसकी ओर लगाया? धाम धनी और चर्चा की ओर लगाया। और इतना भी नहीं, जो मार्ग बंद हो गया था, मैंने बोला ना चर्चा चितवनी सब कुछ बंद हो गया था, तो आगे क्या किया? वो मार्ग को अग्रेसर किया, फिर चालू किया। कैसे चालू किया? सुंदर साथ जी मिहराज ने प्रयास किया, मेहनत की कि नहीं सुंदर साथ जी उसकी चर्चा तो आपको सुननी पड़ेगी। तो बिहारी जी महाराज समय, दोनों समय, सुबह और शाम, प्रांत और संध्या को दोनों समय चर्चा करने लगे। या धाम धनी ने बताया कि चर्चा करे धाम की बिहारी जी बाहर। क्या बताया? चर्चा करे धाम की बिहारी जी बाहर, क्योंकि बिहारी जी महाराज के अंदर सुंदर साथ जी, मैंने बताया ना उसको ऐसे ही रोल दिए थे कि बिहारी जी महाराज के अंदर ज्ञान का यथार्थ प्रकाश नहीं था, वास्तविक ज्ञान की अंदर जागनी अभी नहीं हुई थी, ऐसे तो वाणी भी नहीं उतरी थी। और सदगुरु जब चर्चा करते थे तो ऐसे रुचि से उसने चर्चा भी आत्मसात नहीं की थी। तो यहाँ लालदास जी महाराज ने स्वयं महामति के शब्दों में लिखा कि बिहार जी महाराज ऐसे बाहर बाहर वाली ऐसे कोई दृष्टांत दे के ऐसी दुनिया की लौकिक चर्चा करने लगे। तभी यहाँ लीलारस सागर या वृत्तांत मुक्तावली दोनों में एक बात बताई गई है, लालदास जी ने तो नहीं बताई, दोनों में एक प्रमाण दिए गए हैं, क्योंकि अभी फूलबाई का आएगा ना आगे
जब दोहरा जी जाएंगे तभी। तो यहाँ बताया कि एक सुंदर साथ दो कोस की दूरी पे, एक कोस बराबर 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो भी लो, तो 2 कोस की दूरी से एक सुंदर साथ रोज चर्चा के लिए आते थे। लेकिन उसके पारिवारिक थोड़ा संकट, थोड़ी मजबूरी और वो पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उसने बिहार जी महाराज के पास एक टाइम की छुट्टी मांगी कि हे धामधनी, हे बिहारी जी महाराज, मैं दोनों टाइम नहीं आ सकूंगा, तो मेरे को एक टाइम की छुट्टी दे दीजिए, मैं एक टाइम आऊंगा। तब बिहारी जी महाराज ने क्या बोला कि आपको दोनों टाइम आना नहीं है सुंदर साहब जी। देखो धामधनी कैसे लीला करवा रहे, मेरे को ये प्रसंग कहने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि दोहरा जी जाएंगे तो फूलबाई का जो पहला देह त्याग, उसके बाद तेजकुरी, धामधनी सुंदर साह जी हमको ये प्रसंग में ले जाएंगे ने। तो यहाँ धामधनी की ऐसी विचित्र जो लीला चल रही है, मैंने बताया ना माया से कोई छूट नहीं पा रहे, माया का इतना बल है सुंदर साह जी, माया इतनी बलशालिनी, इतनी जोरावर है। तो यहाँ बताया धामधनी ने क्या बताया, तो बिहार जी महाराज ने बताया कि दोनों टाइम क्यों, एक टाइम क्यों, दोनों टाइम आपको आना नहीं है। तो सुंदर साथ बहुत दुखी हो गए। या तो वित्तकारों ने बताया है कि 7 दिन तक दरवाजे पर भूखे रहे, बिहार जी का दिल पिघला नहीं, दिल पसीजा नहीं, सुंदर साथ जी अंदर कोई दया नाम की चीज भी नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसको लगा कि एक मिहिराज ऐसा है कि उसके चरण कमल का आश्रय मेरे लिए बस अंतिम है। तो मिहिराज के घर पे चले गए, तभी मिहिराज राज दरबार में नौकरी के लिए गए थे, अभी घर पे आए नहीं थे। तो वहां जाके फूलबाई ने माना कि हमारे घर में आने वाले कोई भी हो, चाहे सुंदर साथ हो या कोई भी आए, आत्म हो हमारे लिए अतिथि के रूप में होती है या सुंदर साथ आए, तो उसका स्वागत करना, सम्मान करना या खाने पीने की जो भी जवाबदारी निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसने क्या किया, वो जो 7 दिन से भूखे सुंदर साथ थे उसको खाना खिलाया, बेचारे 7 दिन से खाए नहीं थे। वो पता किसको लगा, बिहार जी महाराज को लग गया। अभी मिहिराज राज दरबार से सीधे पहले कहां जाते थे, बिहार जी महाराज का दर्शन करने के लिए, सुंदर साथ का देखने के लिए, उसका भी दीदार और उसके वहां चर्चा करने के लिए जाते थे। तो दोनों टाइम वहां जाते थे, सुबह भी जाते थे और शाम भी जाते थे। बिहार जी महाराज गादी पर आए तभी सुबह भी जाते थे और शाम भी जाते थे। तो सुंदर साह जी जब राज को दरबार से वो सीधे मंदिर में आए, कहां बिहार जी महाराज जहां थे वहां आए, तो वहां जाने के बाद बिहार जी महाराज ने अपने द्वारपालों को बोल दिया कि उसको अंदर आने नहीं देना, उसने बाहर ही रोक लिया। तब मिहिराज ने प्रश्न पूछा कि किस कारण से मेरे को रोक रहे हो, तभी उसने बोला कि अंदर जाके मैं बात पूछ लूं। तो अंदर पूछा तो बिहार जी महाराज ने बोला कि अंदर बुलाओ, पहले बात को सफाई करनी है। फिर मिहिराज अंदर गए, फिर बात की सफाई हुई कि बोला कि आपकी धर्म पत्नी ने जिस जिस सुंदर साथ को मैं बहिष्कृत करता हूँ, धर्म से बाहर निकालता हूँ, निजानंद संप्रदाय से बाहर निकालता हूँ, उसको कौन रखते हैं। यहाँ अभी तो पहला प्रसंग हुआ, तो आपकी पत्नी ने क्या किया, अभी आगे बहुत आएंगे। आपकी पत्नी ने उसको स्थान दिया है, उसने अपने चरण में लिया है। तो यहाँ बताया कि ये कोई काम तो सुंदर साथ का तो ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि कोई भी सुंदर साथ घर में आए तो सुंदर साह जी हमारा क्या कर्तव्य बनता है, साथ की सेवा करना। आगे आएंगे मिहिराज जो साथ की सेवा करेंगे सुंदर साह जी धामधनी के स्वरूप मानकर, तो यहाँ हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। और एक बात यह रखनी है सुंदर साह जी कि जो मिहिराज ने जब बिहार जी के सामने बात रखी और बिहार जी ने बोला कि मैं साथ को बाहर निकालू, उसको क्यों रखा आपकी फूलबाई ने, तो आपको धर्म जो ये धर्म चाहिए या धर्म पत्नी। सुंदर साह जी धामधनी ने भी
परम धाम से आत्माओं को क्या बाहर निकाला निकाला? वो भी नहीं कर सकते ना परम धाम से वो काम। तो धाम धनी ने वाणी में बताया कि मैं सब काम परम धाम से कर सकता हूं, लेकिन एक काम मेरे से भी नहीं होता है, क्या? मेरी आत्माओं को मेरे चरण कमल से अलग करना, और एक दूसरा काम ये कि मेरी आत्माओं को दुख देना। ये दो काम मेरे से भी होता नहीं है कि मेरी आत्मा मेरे सामने दुखी हो, और एक क्या कि मेरे चरण कमल से अलग हो। तो परम धाम से बाहर निकाल देता या साथ से या संप्रदाय से बाहर निकालने से वो निकल नहीं जाता, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है सुंदर साहब जी। तो यहाँ महाराज ने महाराज को बिहारी जी ने बोला कि धर्म चाहिए या धर्म पत्नी। सुंदर साहब जी उस शब्द पर सोचना, जो मैंने किस्सा किया ने वो सामान्य किस्सा नहीं है। अभी उस प्रसंग पर हम गहराई से जानेंगे। उस टाइम पे आप अपनी आत्म को रखिए या अपने वजूद को अपने शरीर को रखिए कि आपके सामने वही धर्म संकट आता, समझ में आ रहा है? वही धर्म संकट जब हमारे सामने आता तो हम क्या सोचते, उस टाइम पे हम क्या विचार करते? ये कोई सामान्य सा प्रसंग नहीं है। मैंने पहले जो घटनाक्रम के रूप में बताया, कहने का भाव तुम्हारा अलग था सुंदर साहब जी, ये कोई सामान्य प्रसंग नहीं है। उस टाइम पे महाराज पर क्या बीती होगी, क्या हाल किया होगा उसका, उसने इतना छोटा सा चरण है लेकिन बहुत गहरा है। आज हम 400 साल से वाणी उतर गई, घर में राज्य भी पधरा दिया बहुत समय से, आज पहचान भी हो गई है सुंदर साहब जी, लेकिन हमारे सामने जब ये प्रश्न खड़ा होता तो हम क्या बोलते, हमको धर्म पत्नी या धर्म पति चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। महाराज ने क्या बोला कि हे धामधनी, हे बिहारी जी महाराज, मेरे को धर्म चाहिए, धर्म धर्म रक्षति रक्षित, जो मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, मेरे को धर्म बार बार नहीं मिलेगा, धर्म पत्नी तो मेरी नियति में होगी, मेरे नसीब में तो मेरे को मिले जाएगी, लेकिन मेरे उसके पति रुचि भी नहीं है, मेरे को धर्म चाहिए। सुंदर साहब जी, हमारे सामने संसार में, गृहस्थी परिवार में या लौकिक कोई भी कार्य में हमारे सामने छोटा सा एक कोई काम उठता या कोई लौकिक दुख आ जाता तो हम कितने चिंतित हो जाते, और तभी हम क्या सोचते, ऐसे संकट आते तो हम धाम धनी को छोड़ देते, क्या करते? धर्म तो बहुत दूर की बात है, धर्म पत्नी भी सुंदर साहब जी, लेकिन हम धर्म को भी छोड़ देते। हमारा ईमान हमारा विश्वास कितना है पत्र रूही की माफक, पता है तुल के आंख, जो आंकड़े के वो तुल होते हैं ना, वो तुल का आंख जैसे बिना घर में बिना पवन पंखे की हवा के बिना वो उड़ता रहता ने, तुल का आंख छोटा सा रुई जैसा होता है, रुई जैसा तुल का आंख होता है, पंखे की हवा भी ना हो, बाहर की हवा भी नहीं आती हो तो भी अंदर उड़ता रहता है, ऐसा हमारा ईमान है, हमारा विश्वास सीधा ही डगमगा जाता। आज महाराज ने क्या रास्ता चॉइस किया, क्या रास्ते को चुना, आप सोच लेना। मैं ज्यादा लंबी विस्तार से बात नहीं करूंगी सुंदर साहब जी। देखो धर्म के नाम पर आज मर फिट रहे ने सुंदर साहब जी, आज हमको पहचान हुई, हम संसार के नाम पर आज और भी स्वतंत्र दिन है सुंदर साहब जी, स्वतंत्र दिन है ना आज, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है सुंदर साहब जी। आज 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, आज दिन भी हुई है कुर्बानी का, जो हमारे महापुरुषों ने, जो लोखंडी पुरुष या जो भी कहो लोहे का पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, आज हम जो मोमिनों ने, मैं तो मोमिन ही मानूंगी, आत्मा ही मानूंगी, जो भी हो उसके अंदर धाम धनी पहचानेंगे उस आत्मा को, लेकिन आज वो आने के बाद
देश के लिए कुर्बानी दी। किसके लिए दी? देश के लिए दी। ये भी कुर्बानी की तो बात है। हम छोटी सी बात लेकर बैठ जाए कि एक प्रसंग तो सिर्फ मिहारी मिहराज का है, धर्म पत्नी चाहिए, धर्म चाहिए। आज भी कुर्बानी की बात है। देखो तभी जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज हमने देखा ना पाकिस्तान और जो इंडिया का, भारत का जब अलग अलग हो रहे थे, तभी आज हमारा देश जो आज क्या होगा, किस स्तर पर होगा, सब सुंदर सा जी तभी हो जो महापुरुषों ने कुर्बानी नहीं दी होगी इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। आज जो हम शांति से यहां बैठे हैं ना, तो आज ये लोगों को याद करो जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। ऐसे हमारे सैनिक भी बहुत शहीद हुए, लाखों लोगों ने सुंदर सा जी इस देश को आजाद करने के लिए, जितनी नदियां आज संसार में बह रही है, जितने सागर में जल है वो कम पड़ेंगे। इतनी लोई की नदियां, रक्त की नदियां बही है सुंदर सा जी, इतनी हड्डियों के ढेर हो गए हैं, इतने लोग शहीद हुए देश को आजाद करने के लिए। आज हम तो शांति से बैठे हैं ने, हमने क्या कुर्बानी की? जब दिल्ली का प्रसंग आएगा तभी मैं कुर्बानी पर लूंगी बात और भी आगे। जो हमारे सैनिक भी आज भी देखो देश की सरहद पर, बॉर्डर पर, आज कितने एक ही माँ के एकलौते संतान, एक ही पुत्र। मैं कई बार माताजी की बात आती ने, जब वो नैवेद्य की नैवेद्य धराते ने वो माताजी का, तभी मैं कई बार बात रखती कि जो 33 करोड़ के नाम पर आज हम देवी के जो नैवेद्य धरा रहे, चाहे लापसी हो, चाहे लाडू लड्डू हो, या जो भी हो, खीर पूड़ी जो भी हो, तो नैवेद्य कराते हैं सुंदर सा जी। वो लोगों को देखो सिर्फ, तभी वाणी नहीं थी जवाहरलाल या गांधी जी, उस टाइम पे जो वाणी होती ने सुंदर सा जी, वाणी थी सॉरी पहचान उसको नहीं हुई थी, वाणी थी। मेरे को 400 साल पहले की बात याद आ गई, इसलिए मैं उससे पहले की बात ले ली। वाणी थी लेकिन उसके पास पहुंची नहीं थी, उसके पास पहुंची नहीं थी, उसको पहचान नहीं हुई थी, तो अभी आज देश के लिए कैसे कुर्बान हो रहे हैं। ये आज का जो दिन हम बैठे ना, देश स्वतंत्र हुए 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है ना सुंदर सा जी, प्रजा को एक सत्ता हाथ में आई, लेकिन आजाद कब हुए? आज के दिन हुए सुंदर सा जी। तो मेरे को जो मैं माता जी की बात आधी रखी, तब नैवेद्य धराते ने, तो मैं कई बार बात रखती हूँ चर्चा में कि जो एक लोग थे, एक ही संतान अपनी माता ने अपनी बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए दिए दिए, आज गवर्नमेंट उसको सैलरी जो भी पगार दे रही है वो देती है तो कितना दे सकेगी, लेकिन एक बेटे को कुर्बानी के लिए सरहद पर भेजा है सुंदर सा जी, वो नैवेद्य है। समझ गए? उसने जो माने अपने एक ने एक पुत्र को, किसी को दो होगा किसी को एक होगा, ऐसे पुत्र को आज सरहद पर भेज के जो हमारी देश की रक्षा के लिए भेजा है, वो माँ वास्तव में सच्ची कुर्बानी और देश के लिए सच्चा निवेद और एक भारत माता की, वो माँ नहीं पत्थर की मूर्ति को माँ बनाकर नैवेद्य करी, वो माँ नहीं, ये भारत माता क्या है, एक हमारी माँ है ने। हम अभी तक जो बोलचाल की भाषा में हम समझते आ रहे कि पृथ्वी भारत माता एक हमारी माँ है, तो भारत माता की माँ की संतान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, जो संतान को रक्षा के लिए कहाँ भेजा है, सरहद पर, बॉर्डर पर, तो सच्चे निवेद क्या है, वो है। पता नहीं, वो तो अंदर होम भी जाते ने, कुर्बान भी हो जाते, मर भी जाते, पता भी नहीं रहता है कि घर में वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो आज का वो दिन, ये दिन सुंदर सा जी, यहाँ ये भी बताया कि मिहराज ने तभी ये कुर्बानी करके बताई, ये कोई कम कुर्बानी नहीं है, और आगे की यात्रा में हम कुर्बानी और देखेंगे सुंदर सा जी। ये मैं रोज ही कहती हूँ, अभी तक करने की चर्चा नहीं है सुंदर सा जी, मैं क्या करूँ, मेरे को हर घटनाक्रम बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, ये रहने की बात है, ये प्रैक्टिकल रहने की बात है सुंदर सा जी, ये कहने की बात नहीं है, ये हमारी बात है। मैं परसों भी बोली थी कि
ये विरह और प्रेम का सौदा है। ये कोई नव प्रकार वाली भक्ति की बात नहीं है कि मैं घटना का इतिहास और हिस्ट्री कह दूं आपको। बस स्वयं रह के आप संसार में और धाम धनी के साथ हमारा सिर मूल मिला में ऊंचा हो, ऐसा ना बोलना पड़े कि धाम धनी हम परातम में जब मिलेंगे तो कैसे हमारा मुंह सिर, बोला ना कि परातम पहुंच से पवड़ा परातम मोजार, ऐसा बोलने धाम माए धनिया मुचू केम जोईसु पहुंच से पवाड़ा पर आतम मोजार, ऐसा बोलने का मौका धाम धनी के सामने आ ही नहीं। बस यही कुर्बानी, मैं तो यही कहती हूँ सुंदर साह जी कि हर पल आपका न्याय होना चाहिए। वहां जाके क्यों न्याय दे, हमारे जीव को पिस्त में जाके न्याय नहीं देना है, यहाँ हर पल न्याय कर दो ने, अंदर से इतना निर्मल बना दो कि जैसा बाहर है ऐसा ही अंदर। तो धाम धनी एक पल बताए ना कि जैसा बाहर होते होवे ऐसा दिल, तो अधखिन पियु न्यारा नहीं माहे रहे इल मिल। लेकिन बाकी तो बताया कि अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर तो ये ना मिलियो करतार। आज मिहिराज अपने तन को कसौटी की जो कसनी पर जो कसे जा रहे, ये कसौटी क्या कम थी इससे पहले जो कसी, इससे पहले सदगुरु ने 40 साल जो कसौटी पर अपने को कसा वो क्या कम था। आज 400 साल से वाणी उतरने के बाद भी हमारी आंख नहीं खुल रही है, तो धिक्कार है इस जीव को। ये अभी तक दूसरी बार सुनने के लिए भी आपको पाप है, समझ में आ रहा है मेरी बात। वास्तव में हमको हमारा जीव को धिक्कार है, बार बार सुनने से क्या फायदा जो हम प्रैक्टिकल ना चले तो इस पर। बस सुंदर सा जी चलो इस राह पर, जितना भी हो पाए बस चलने का कल से शुरू कर दो। के धाम धनी ने क्या बताया, मिहराज की बात नहीं है, मेरे को कहनी पड़ रही है, उसने तो चल के दिखा दिया। यहां क्या बताया कि बस मेरे को धर्म चाहिए, धर्म पत्नी नहीं। अभी मैं यह भी नहीं कह रही हूं कि आप धर्म पत्नी को छोड़ दो या धर्म पति को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूं कि धर्म को निभाते निभाते सत्य पर तो चलो, सही राह पर तो चलो, चुगली और निंदा की बात तो सिर्फ छोड़ दो, बस सुंदर साथ को अरस-परस प्रेम तो कर लो, हमारा मूल निस्बत का नाता तो निभा लो। ये थोड़ी परम धाम में मिलने वाला है जो यहां मिला है मौका अवसर। वहां जाके हम बोलेंगे कि धनी और एक पक्ष में हम जाए और वहां सुख ले ले तो क्या मिलेगा, परम धाम के तो और सागर में हम डूब जाएंगे। धाम धनी ने मेहर सागर में बताया ने, जो मेहर ठाढ़ी रहे तो मेहरे मापी जाए, वहां तो मेहर 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 ही मेहर है, मेहर में डूब जाएंगे। सुंदर सा जी धाम धनी के इतने अनंत गुण है, अनंत सुख है, अनंत प्रेम है, अपार मेहर है, वहां डूबे थे इसलिए तो साहेबी का पता ही नहीं लगा। यहां धाम धनी ने वो साहेबी से अलग करके किनारे पर आज धाम धनी खेल को सिर्फ दस्ता रूप में दिखा रहे, तो दिख भी लो और सुख भी ले लो, इत भी धन धन और उत भी धन धन। सुंदर साथ जी यहां बोल दिया कि मेरे को धर्म पत्नी नहीं चाहिए, तो मिहराज आपको घर पे नहीं जाना है। मिहराज ने पक्का निर्णय ले लिया मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फूलभाई को पता लगा कि मेरे धर्म पति घर पे नहीं आएगा, तो उसके वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया 6 माह तक। हे हमारे अंदर ताकत, हमने 2 दिन उपवास तो रह लिए त्रीज चौथ के। सुंदर सा जी दुख की बात है, मेरे को कहने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन कहना पड़ता है, त्रीज चौथ दोपहर को इतनी सूखी भाजी खा ली, आलू की वेफल वो सब तली हुई खा ली, सिरा भी खा लिया, 2 टाइम मंदिर पे जाके आए, विरह के प्रकरण गा लिए, पूरा हो गया क्या हमारा नाता, पूरा हो गया क्या किया, 2 दिन सफेद कपड़े पहन लिए, कैसे रोना चाहिए, उसके प्रति कैसे वियोग करना चाहिए, सिर्फ हमारे जीवन में त्रिज चौथ उपवास रहना चाहिए क्या,
हमारे जीवन में त्री चौथी सिर्फ हमारी जुदागी है क्या? 400 साल हो गए अभी हमने धनी का मुख नहीं देखा है। वो इंद्रावती ने सिर पटका है धाम धनी के चरणों में, अभी आएगा हमसे में, अभी मैं लूंगी। सिर्फ तीज चौथ हमारे लिए दो दिन की नहीं होनी चाहिए। जब तक ये मुखारविंद में धाम धनी सामने ना आए ने, तब तक हमारे लिए रोज ही वियोग होना चाहिए, रोज ही दुख होना चाहिए। बस धाम धनी बहुत हो गया इस खेल में। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो प्राणदास सुंदर सा जी आगे धाम धनी ने बताया कि धनी की पल पल की जुदागी आपके लिए, आपके लिए कष्टकारी होनी चाहिए, दुख होनी चाहिए, क्योंकि संसार परिवार के रिश्ते भी हमारे लिए एक पल की जुदागी सहन नहीं हो पाती। तो विचार कीजिए कि आत्म की जुदागी धनी से कैसे सहन हो रही है, आत्म के साथ जो धनी की जुदागी वो कैसे सहन हो रही है। और धाम धनी यहां आगे बताया कि छह महीने तक फुलबाई ने भोजन नहीं लिया। फिर एक वादा किया था, कॉल किया कि हे बिहारी जी महाराज, ये धाम धनी जब मेरा अंतिम ये शरीर छूटे ने, तब मेरी जब अंतिम यात्रा निकल जाए, वहां अंतिम विधि भी हो जाए, उसके बाद जब मेरी राख बन जाए, तो राख पर मेरे यहाँ के जो धर्मपति मिहराज है उसके दाहिने, मतलब जमणे दाहिने चरण कमल के अंगूठे को स्पर्श कराना, तो मेरे अंदर जो बैठी हुई अमलावती की आत्म बस यही चाहती है कि मैं वो धाम धनी उसके दिल में बैठे ने, किसके दिल में? मिहराज के दिल में। तो उसके अंदर मेरी अंदर की अमलावती की आत्म प्रविष्ट हो जाए, बस मेरे को इतनी चाहना इस संसार में। देखो इतना सिर्फ मिहराज ने नहीं सोचा, इस तरफ वाल क्या फुलबाई ने भी सोच लिया कि नहीं, मेरे को भी अंतिम यही इच्छा है कि बस मेरी आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट हो जाए। तो यहां सुंदर साथ जी 6 महीने के बाद फुलबाई ने तन छोड़ दिया विरह में, मिहराज के विरह में, धाम धनी के विरह में। फिर मिहराज वहां जाते हैं अपने दाहिने पैर के जो अंगूठे चरण कमल के है वो वहां टच करते, अटकते हैं, उसके अंदर अमलावती की आत्म प्रविष्ट हो जाती है। ये किस्सा धाम धनी ने बीच में रख दिया। और कोई कोई वित्तकारों ने तो ऐसा लिखा, मैं सब वित्तकारों का, इसमें लल्लू जी भट्ट और वित्तकार ने भी लिखा है कि किसी ने बोला कि फुलबाई का धाम गमन 1708 में हुआ, किसी ने बोला कि फुलबाई का धाम गमन 1720 में हुआ, लेकिन दोनों बात वहां सत्य सिद्ध नहीं होती। इसलिए सुंदर सा जी के 1708 में तो मिहराज अरब से आए, तभी तो फुलबाई का अंतर्ध्यान लीला का कोई समय भी सोचने का भी प्रश्न नहीं उठता। और 1720 में जाम सत्ता की वजीरगिरी का काम संभालेंगे, तब तो कर वसूलने में एक एक सुंदर साथ को सहयोगी बनने में वहां लग जाएंगे 1720 में, तो तभी भी शक्य नहीं है। तो 1713 में ही फुलबाई का त्याग मानना पड़ेगा, क्योंकि 1713 में कौन आया? आसो महीने में, फिर 13 की साल प्रारंभ हो जाएगी ने, आसो महीना पूरा होगा तभी। तो 1712 में जब बिहारी जी गद्दी पर, अंतिम में जब बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया, तो 13 में ये घटना घटी होगी। ये धाम धनी ने आपको बीच में एक किस्सा रख दिया। और आगे बताया कि धर्म की जागनी का कार्य आगे किसने बढ़ाया? तो यहां एक कुरान का और प्रमाण दिया कि यहिया ने ज्यादा किया दिन को। यह भी एक कतेब का प्रमाण है कि यहिया ने ज्यादा किया दिन को। यहिया एक पैगंबर हो गए, उसके पुत्र जिकरिया भी एक पैगंबर हो, तो जिकरिया के पुत्र यहिया थे, जिकरिया के पुत्र यहिया थे। तो जिकरिया मतलब कौन? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। और यहिया कौन? श्री प्राण नाथ जी। तो जिकरिया के पुत्र कौन? श्री मिहराज। पुत्र कौन बनेंगे? प्राणनाथ जी पुत्र नहीं बनेंगे, परमात्मा कभी भी किसी के पुत्र नहीं बनते। तो मिहराज किसके पुत्र हुए मैं बताऊ? नजरी पुत्र और नस्ली पुत्र, नाद पुत्र और बिंदु पुत्र। तो नाद पुत्र कौन?
मिहराज फिर भूल गए, पुत्र कौन बनेगा? जो तन है वो पुत्र बनेगा ना। प्राणनाथ कभी भी पुत्र किसी का, अक्षरातीत कभी भी किसी का पुत्र नहीं बनता, इसलिए मैं एक एक बातों का स्पष्टीकरण कर रही हूं। तो नाद पुत्र, बिंदु पुत्र, बिंदु पुत्र कौन? बिहारी जी। ऐसे यहां भी बताया कि जो धार्मिक वारिशदार कौन बनेगा, यहिया जो जिकरिया के पुत्र मिहराज बनेगा। तो धार्मिक क्षेत्र की जवाबदारी, सिर पर जागनी का उत्तरदायित्व और जागनी को आगे आने वाले समय में, भविष्य में ये मिहराज आप आगे बढ़ाना। ये पहले से कते परंपरा में प्रमाण दिया गया था सुंदर सा जी। तो और आगे श्री जी जो जिसके अंदर विराजमान मिहराज के अंदर, वो उसने क्या सोचा कि चलो सदगुरु महाराज ने मेरे सिर पर झागड़ी का उत्तरदायित्व दिया है तो काम में आगे बढ़ाऊ। तो यहाँ चर्चा चितवनी सब बंद हो गई थी ने, तो यहाँ मिहराज चर्चा और चितवनी भी कराने लगे। और जो बिहार जी महाराज की चर्चा तो प्रारंभ हुई, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उसमें किसी सुंदर साथ की रुचि नहीं थी। यहाँ श्री जी क्या कर रहे है, वो चर्चा में सब सुंदर साथ का मन को परम धाम माया की, माया की ओर से हटा के परम धाम की ओर लगा रहे और राज दरबार की नौकरी भी कर रहे है सुंदर साथ जी। तो दोनों जवाबदारी जब सिर पर आई तो काम भी थोड़ा बढ़ गया ने, तो जल्दी से उठना पड़ता है। या लालदास जी महाराज ने महामती के शब्दों में लिखा कि एक पहर रात्रि बाकी रहती थी तभी कौन उठ जाते थे, मिहराज उठ जाते थे। और क्या करते थे तो बोलते थे कि भाई पहले उठ के वो सोच क्रिया के आदि से परिवार के और आगे वो कहाँ जाते थे, बिहार जी महाराज धाम धनी का प्रणाम करते थे, सुंदर साथ का भी प्रणाम करते थे, दर्शन करते थे। वहाँ से आते फिर राज दरबार में जाते, फिर राज दरबार से 4:30 बजे वापस लौटते, फिर चर्चा करते। चर्चा करने के बाद चितवनी कराते 4:30 बजे। चर्चा तो बिहार जी महाराज करते, चर्चा की अर्चा मिहराज करते और चितवनी भी कराते थे सुंदर साह जी। चितवनी में हम एक बात यहाँ थोड़ा अटक जाए कि उस टाइम पे अभी वाणी उतरी नहीं है ना सुंदर साह जी, तो मिहराज ने क्या सोचा, मिहराज मतलब इंद्रावती की आत्म ने सोचा कि हम सब आत्माएं परम धाम से आई है, एक खेल तो रंचक मात्र भी नहीं है, खेल का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे नारायण के स्वप्न से बना हुआ है। अक्षर के मन के स्वप्न के स्वरूप नारायण है और नारायण के स्वप्न में ये सब खेल के जीव बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश या तमाम जीव। तो ये खेल तो रंचक मात्र नहीं है, हमारा अस्तित्व, हमारा तो मूल घर परम धाम है, हमारा मूल ठिकाना मूल मिलावे में है, हमारा मूल तन मूल मिलावे में बैठा है। इतना भी नहीं, और भी मिहराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती ने सोचा कि हमारे धनी तो हमारे प्राण से भी नजीक है, नजदीक है, सेहरक से भी, प्राण नली से भी नजदीक है। तो मैं ये सुंदर साथ की यहाँ सेवा करके और आगे ये सुंदर साथ को यहाँ रिझा के यहाँ मैं क्यों सुख न ले लूं? तो यहाँ चितवनी धाम की कराते थे, चर्चा की अर्चा भी करते थे। तो सुंदर साह जी आज मेरे को एक बात आपके सामने रखनी है कि अभी वाणी भी नहीं उतरी है तो अभी देखो कि यहाँ चितवनी तभी भी करा रहे हैं। चितवनी कोई आजकल के शब्द नहीं है, अंतिम में तो 1748 के बाद वाणी उतरने के बाद 1751 के बीच में 3 साल अंतिम लीला हुई मिहराज की शरीर की, यह सुंदर साह जी इसके बीच में 3 साल चितवनी की तो बहुत जोर शोर से चला, लेकिन तभी भी वाणी उतरने से पहले भी। तो मेरे को आज आपके सामने एक बात रखनी है कि सुंदर साह जी हम जितनी भी वाणी पढ़ ले, जितनी भी सेवा पूजा कर ले, जितनी भी माड़ा परिक्रमा या पुरियों में प्रणाम करके आए, जब तक हम चितवनी नहीं करेंगे तो हम परम धाम का अखंड सुख, अखंड शोभा, सौंदर्य हम नहीं देख पाएंगे। और भी कहूँ सुंदर साह जी के चितवनी जो हम नहीं करेंगे तो हमारी जो असल जागनी, वास्तविक जागनी है वो ऐसे बाह्य इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं पाएगी। वो तीसरी बात में सुंदर साह जी आपके सामने मैं बार बार आह्वान कर रही हूँ रोज ही के सुंदर साह जी आज हमारे समाज में जो भागवत की ओर हमारे धनी की जो गरिमा आज वाणी उतरेगी ना, मैं महत्ता बताऊंगी कि आज हमारे समाज में जो वाणी की गरिमा,
वाणी की जो महिमा है उसको आज सुंदर सा जी किनारे कर आज भागवत की बोलबाला उसका प्रचार प्रसार हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैंने अभी बताया कि वाणी को पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन के बाद जो हम ध्यान से नहीं देखेंगे धनी के स्वरूप सिंगार वस्त्र आभूषण या हमारे परातम को तो हमारी जागनी वास्तविक होने वाली नहीं है। तो आज हमारी धनी के लिए कई ऋषि मुनियों आज वहां सुंदर सा जी ध्यान समाधि कंदराओं में लगाई ये वाणी के लिए। आज वाणी की महत्ता में आगे बताऊंगी। और इतना भी नहीं वेदों ने मौन धारण कर लिया उपनिषदों ने नेति नेति कर वो वापस लौट गए किसी ने भी दिशा निर्देशन परमधाम की ओर नहीं किया। वो वाणी आज संसार के मुर्दे जीवों को उठाने के बाद अखंड करने के लिए आई है। वो वाणी को छोड़कर सुंदर सा जी कभी भी भागवत की गुणगाथा या क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भागवत की भी मैंने गुणगान गाया कभी तक गाया ने कि जब तक ये वाणी नहीं उतरी थी तब तक तो उसका प्रचार प्रसार चलता रहा। देवचंद्र जी ने भी सुंदर सा जी 14 साल सुनी लेकिन तीसरे दर्शन के बाद वो गए नहीं है। तो यहाँ देखिए सुंदर सा जी तो आज ये गरिमा ये महिमा को किनारे कर आज हम सुंदर सा जी वाणी को भूलकर हमारे धनी की जो इज्जत हमारे धनी का जो सम्मान उसकी महिमा गरिमा इस संसार में क्या हो किसी को पता नहीं है। सुंदर सा जी वो गरिमा को आज हम नीचे गिरा रहे वो इज्जत को हम नीचे गिरा कर और शास्त्रों की गुणगान गाए ये हमारे लिए बहुत एक दुखदायक बात है। सुंदर सा जी संसार को यह बताओ कि वाणी किस लिए आई किसके माध्यम से आई कौन आए तो ये वाणी उतारने की जरूरत पड़ी न तो अभी तक कभी भी वाणी संसार में आई नहीं थी। कोई कारण ही नहीं बना था क्योंकि हम इस संसार में आए नहीं थे। हम आए तो ये वाणी आई धाम धनी ने इसलिए वाणी उतारी है। तो यहाँ आज देख लो मिहराज वाणी उतरने से पहले भी चितवनी की ओर सबको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं चर्चा की अर्चा में अभी भी मैं बताया और सुंदर साथ की सेवा करने की उसके दिल में एक बात उपजी कि मेरे को यह सुंदर साथ धाम के धनी ने यह सुंदर साथ को यहाँ भेजा है ये खेल में तो मैं ये सुंदर साथ की क्यों सेवा न कर लूं उसको मैं क्यों न रिझा लूं मेरे को यह अवसर ये मौका मेरे को बार बार धाम में मिलने वाला नहीं है। तो ये सेवा करने के लिए मैं एक राज दरबार में नौकरी के लिए मैं वहां भी पूछ परस करूं और वहां सुंदर सा जी बिहार जी महाराज को पूछ के राज दरबार में नौकरी की राजा के पास गए और वहां पूछ परस की राजा ने नौकरी में भी रख लिया और जो पैसे आए उस पैसे से क्या करना है सुंदर साथ की सेवा। आज हम सोच रहे हैं कि भंडारा करने के लिए मिहराज जा रहे थे सुंदर सा जी भंडारा नहीं करने के लिए जा रहे थे। जो भंडारा करने के लिए जाते तो वो बिहारी जी महाराज को भी लागू होता ने क्योंकि उसके भी पिताजी पढ़ते थे शारीरिक नाते तो उसके भी पिताजी पढ़ते थे भंडारा नहीं था। उसके दिल में एक जो एक भाव जगा कि मेरे साथ सदगुरु जाने के बाद सब नाता भूल गए पूर्ण पहचान भूल गए तो मैं उसको धाम की लीला में डुबोऊ चितवनी में डुबोऊ वो रस में डुबोऊ और चर्चा में भी डुबोऊ जो भी व्रज की हो रास की हो या धाम की हो ऐसी बात अंदर उठने लगी। तो एक नौकरी भी स्वीकार की वहां के राजा के सचिव पद पर सुंदर सा जी और उसके बाद उसने सोचा कि जो पैसे उसमें से मेरे को मिलेगा उसमें से मैं घी या शक्कर या गुल जो भी खरीद कर मैदा ये खरीद कर मैं घर में जो राशन सब है वो चीजें एकत्रित करते जाऊंगा और इतना भी नहीं वस्त्र और आभूषण भी खरीदूंगा और क्या करूंगा सुंदर साथ की सेवा करूंगा। तो इसमें एक प्रसंग बीच में आया कि यह तो गोविंद पटेल की एक भूत नगरी है। क्या है संसार मैंने कल रखा था दूसरे प्रसंग के माध्यम से कि संसार एक काजल की कोठरी है अंजन की एक कोठरी है वहां जितना भी कपड़े संकोड़ कर जाएंगे तो भी आपका कपड़े के अंदर काला दाग तो पड़ेगा ही
पड़ेगा। तो यहां मिहराज ने सोचा कि मैं सुंदर साथ की सेवा भी कर लू, धाम धनी को भी रिझा लू, सुंदर साथ को भी रिझा लू, और क्या करूं, यहां चितवनी चर्चा का भी सुख दू और सब काम करूं और माया का भी संभालू, दो काम होएगा? धाम धनी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने बोला कि माया में दो काम नहीं, हाँ होता है लेकिन ये एक निष्ठ नहीं हो पाता है। तो यहां बताया धामधनी ने, क्या बताया कि मिहराज ने नौकरी भी स्वीकार की और एक कांजी भाई नामक सुंदर साथ को भी रख लिया और उसको बोला कि तुम सेवा में इतना कुशलता से, इतनी ध्यान से और कोई भी बात की चिंता करनी नहीं है, कुशलता से और अंदर से ध्यान से अपनी सेवा करना है। तो गोविंद पटेल की भूत नगरी क्या है, ये धामधनी ने बताया कि गोविंद पटेल नामक एक भूत प्रेत योनि में चला गया। एक जो गोविंद पटेल नाम का एक युवक था, जब अपनी ये तन छोड़ दिए तो उसके बाद उसकी जो आत्मा थी वो भूत प्रेत की योनि में चली गई। वो कैसी थी, ये सब आप बार बार सुनते आ रहे हो तो मैं ज्यादा नहीं विस्तार करूंगी। वो ऐसी थी कि जैसे जैसे लोग यहां से तन छोड़ते जाते और वहां जाते थे तो गोविंद पटेल की नगरी में, ये कहां की बात है, इस संसार की बात है। ये संसार कैसा है, आकर्षण वाला है ना, आसक्ति वाला है ना, मोह उत्पन्न करने वाला है ना। जितनी जितनी चीजें हम बाजार में जाएंगे तो जितनी जितनी चीजें हम देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, मोह पैदा होगा ने, आकर्षण भी संसार की चीजों के प्रति होगा ने। तो वो तो तीन कंबल वाली बात है कि तीन साधु थे, तो एक कंबल, एक साधु क्या बोले कि देख के चले गए, एक ने थोड़ी इच्छा की फिर निकल पड़े, और तीसरे साधु ने क्या किया, खरीदने का मन अंदर हुआ। सुंदर साथ जी, ये गोविंद पटेल की ऐसी है संसार की नगरी है कि यहां से कोई छूट नहीं पाया है ये मोह माया से। या ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण या नारायण भी छूट नहीं पाए, जो भी यहाँ आए माया में फंस जाते, जो भी आए ऐसे जैसे गोविंद पटेल की नगरी में, भूत प्रेत की नगरी में सब फंस जाते थे, ऐसे हम भी कोल तो बड़े बड़े कर मूल मिलावे से आए कि धनी हम एक को छोड़कर अनेक को नहीं पूजेंगे, लेकिन आज वहां से आने के बाद हम भी गोविंद पटेल की नगरी में फंस कर कितने लोगों को, कितने आराध्य इष्ट को मान कर पूज लिया और कई बहुत काम कर लिए। सुंदर साह जी, ये गोविंद पटेल की नगरी सबको भुलावे में डालने वाली है। जो भी जितना भी चतुर हो, वचिक्षीण हो, प्रवीण हो, तो भी ये भुलावे की नगरी में सब भूल, क्योंकि उसका आकर्षण ही ऐसा है। तो यहां धाम धनी ने यह बताया और आगे वो सब चीजें एकत्रित करने लगे और उसने बोला कि भाई बिहार जी महाराज के भी वस्त्र, और आप देखो उसके प्रति क्या भाव है, भले मिहराज को कष्ट दे रहे, बिहार जी अभी कष्ट दिया ने, कितना युद्ध करेंगे, दो युद्ध तो हो गया सुंदर साहब जी, दो युद्ध तो हो गया। पहला वाला युद्ध क्या, अरब वाला, अरब से आए प्रणाम नहीं स्वीकार किया, 9 साल की जुदागी के बाद मिलन हुआ, और दूसरा युद्ध क्या, फुलबाई का त्याग, और तीसरा युद्ध की ओर हम अभी जा रहे सुंदर साह जी। लेकिन चौथे युद्ध में वो थक गए या नहीं थक गए, तो हम कितने युद्ध कर रहे हैं अभी, हमारा क्या कितने नंबर का ये युद्ध चल रहा है सुंदर साह जी, हमारे कितने नंबर का ये युद्ध चल रहा है, पीछे वाले सुनाई पड़ा है क्या, पांचवा, छठा, सातवां या कितने नंबर का? सुंदर साह जी, ऐसे तो तीसरा युद्ध चल रहा है ब्रज रास और जागनी, लेकिन हमारे लिए ऐसा चौथा युद्ध है। क्यों चौथा युद्ध है, मिहराज भी चौथे युद्ध में माया को छोड़कर चले जाएंगे ना दीवबंदर, हमारे लिए चौथा क्यों है? तीन दिन तो तीन ब्रह्मांड में ब्रज रास और जागनी, तीन दिन तक तो क्या हुआ, तीसरे जो जागनी ब्रह्मांड में पांचवें दिन की जब लीला हुई मिहराज के तन से, तभी तक तो सुंदर साह जी सब जवाबदारी उस पर थी, आज छठे दिन में किस पर है, हमारे पर। तो चौथा युद्ध हम लड़ेंगे या मिहराज लड़ेंगे,
इंद्रावती की आत्म लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? तो चौथा युद्ध में थक जाना चाहिए क्या? अभी लड़ना ही है माया के साथ, क्या करना है? अभी नहीं थके क्या? सुंदर साजी दो युद्ध उसने लड़ लिए, दूसरा युद्ध भी फूलबाई का त्याग। और यहां बताया कि देखो तो भी उसके अंदर बिहारी जी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा, कितना प्रेम भाव, क्योंकि धाम के धनी माना ने बिहारी जी महाराज को। हमको जो कोई ऐसा तिरस्कृत, ऐसा हमारे पर घटना घटाए तो हम उसके साथ बोले या मुंह मोड़कर चले जाए या कैसा व्यवहार करें, आप जवाब देंगे? ये किसका घटनाक्रम है पहले तो यह सुन लो, हमारा है ना। और देखो उसके घर में क्या घटना घटी तो भी उसके प्रति का भाव कम हुआ नहीं हुआ ने सुंदर साहब जी, और भी अंदर बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। और आगे धाम धनी हमको बताएंगे सुंदर साहब जी के नागजी भाई उसके लिए अस्त्र शस्त्र भी हथियार भी तैयार करवाए। और जब सब चीजें एकत्रित हो गई तब चुगली राज दरबार में कर दी ने, वहां चुगलखोर ने चुगली कर दी। तो वहां से सुंदर साहब जी जो आए उसके सिपाही और नजरबंद किसको कर लिया? मिहिराज और उसके भाई बड़े भाई शामलिया भाई और उसके भाई उद्धव भाई, क्योंकि गोवर्धन भाई तो धाम चले गए, हरिवंश भाई कप्पई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कप्पई में रहते हैं। तो तीनों भाई को नजरबंद कर लिया। इतना ही नहीं, जो घी मैदा गुल और जो चीज एकत्रित शक्कर जो एकत्रित किया था वो सब राज दरबार के मंदिर चली गई, सब जब्त कर लिया। और उस तीनों भाई को नजरबंद करके कारागृह में रख दिया। उसको वाणी में हबसे कर लिखा है, क्या हबसे कहकर वर्णित किया गया है सुंदर साहब जी। उसका भाव मैंने आपको जब रास का वर्णन हुआ तभी मैंने विस्तार से बताया है। हबसा इसको कहते प्रबोधपुरी, जिसमें अक्षरातीत ने इंद्रावती को प्रबोध दिया, क्या दिव्य परम धाम का, व्रज का, रास का और सब आत्माओं को जगाने का और अपनी आत्मा को वापस परम धाम ले जाने तक का जो प्रबोध हबसा में दिया, कारागृह में दिया, इसलिए उसको प्रबोधपुरी बोलते हैं। उसको बाइबल क्रिश्चियन की भाषा में सुंदर साजी उसको इंजील बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरानी इंजील भी बोलते हैं। ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों है, उसमें आपको नहीं जाना है, मैंने विस्तार से बता दिया है सुंदर साहब जी कैसे कैसे कुरान से कैसे कैसे आगे ये सब बातें हुई। तो उसके आगे हम जाए तो हबशा में तीनों भाई को नजरबंद कर लिया, उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली। यहां वो चिंतन में डूब गए और सोच रहे मिहिराज के धनी मैंने ऐसा तो क्या बुरा काम किया, मैं तो सुंदर साथ की सेवा में लगा था। इतना ही नहीं, मैंने सोचा कि सुंदर साथ घर में जाते बेचारे 3:30 से 5:30 बजे, फिर घर में जाके रसोई बनानी, शाम का भोजन आदि गृहस्थी का संभालना, फिर शाम को चर्चा सुनने के लिए गुरुकुल में जाना, फिर सुबह को घर का काम करना, दोपहर तक फिर सब कुछ लिपटाना, फिर दोपहर को यहाँ 3:30 बजे आना। तो मिहिराज ने यह सोचा सुंदर साहब जी कि सुंदर साहब को घर पे जाना पर यहाँ यह संभव। बोलिए श्री प्राणनाथ, किसकी बात रखी धाम धनी ने, किसकी बात रखी सुंदर साहब जी? हमारी बात। मिहिराज ने उस टाइम पे क्या सोचा कि सुंदर साहब को बार बार घर में जाके सब कुछ संभालना पड़ता है, बेचारे फिर माया में जाके फिर फंस जाते हैं। तो जितनी देर जितने घंटे चर्चा में रहना चाहिए वो चर्चा का सुख ले नहीं पा रहे। तो उसके दिल में इसलिए ये इच्छा जगी कि मैं सब सुंदर साथ को एकत्रित करके ऐसे बड़े सेवा करूं और बड़ा कार्यक्रम के। लेकिन धाम धनी की इच्छा ये नहीं थी, उसकी अंतकरण की प्रेरणा अलग थी। उसने और शोभा देनी थी, क्या शोभा देनी थी उसको इस ब्रह्मांड में? सिर्फ मिहिराज को जो तभी भंडारा किया होगा सदगुरु महाराज के पीछे, तो सिर्फ कौन जानते जामनगर के आसपास के इलाके, कौन कौन
चाहे ठेबा लियो, अरसदपुर लियो, हरिपर लियो या आसपास के जो भी, कौन जानते इंद्रावती को, सिर्फ यहां भंडारा कर लेती तो उसको कितनी बड़ी शोभा मिलने वाली थी। प्राण नाथ की अक्षरा, तीत की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड में जहर होने वाले थे। और यह भी नहीं, और धाम धनी आगे बताएंगे वेदांत के किरणतनों में, और भी आगे बताएंगे, आउसी रे आउसी सबको एक ऐसी धनी अपना, आगमी करते पुकार, ये सतवानी सबो की सत ठरी, तुम सब आए करो दीदार, सुनियो दुनिया आखरी, जो भाग बड़े है तुम, सो कबू कानो ना सुनी, सो दीदार करो खसम, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, जीव और ईश्वरी सब आए करो दीदार। तो वहां शोभा थोड़ी दे दे, पूरे ब्रह्मांड में शोभा मिलने वाली थी। इतना ही नहीं, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप भी जाहिर, चार संप्रदायों के सामने, दस नाम सन्यासी, छह शास्त्र वालों के सामने जाहिर होने वाले थे। इसलिए यहां यह कार्यक्रम सफल होने नहीं दिया। क्या धामधनी नहीं जानते थे? सब कुछ पता था, ऐसे थोड़ी उस पर संकट आने देते, उसकी आत्म पर। क्यों आया, क्यों सफल होने नहीं दिया? तो यहां रुक जाती ना, वो कार्यक्रम ही करती रहती, भंडारा ही करती रहती, हमको भी यही मजा आ रहा है ना, इसलिए तो आगे बोलिए श्री। किसकी बात धामधनी बीच बीच में रख रहे है? हमारी, क्योंकि हमको भी ये मजा आता ने, कार्यक्रम रोते रहते, नृत्य नाचना कूदना सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सुंदर साजी मैं रोज ही बोल रही हूं कि जब तक हमारे अंदर वीरा पैदा नहीं होगा, ये दर्द नहीं आएगा, बार बार ये दर्द ले रही हूं, जब हमारे अंदर प्रेम नहीं प्रकट होगा, तब तक धामधनी की पहचान पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। तो हब से मैं जब नजर बंद कर लिया, तो वहां अपने विचार में डूब गए। डूबने के बाद सुंदर साजी 6 मास चले गए, कितने 6 मास, और 6 मास में अपना पूरा शरीर सूख गया, ऐसे हड्डियों का ढांचा बन गया शरीर, रक्त मांस सब सूख गए। और 6 मास के बाद जब सदगुरु पहले देवचंद्र जी के रूप में दर्शन देंगे, लेकिन 6 मास तक विचार ही विचार, विचार ही विचार, ये विचार करते करते जब अंदर वीर पराकाष्ठा पर पहुंचा, ये बात मैंने इसलिए दोहराई कि सुंदर साजी देखो, इंद्रावती को ऐसे सरल तरीके से धनी प्राप्त नहीं हुए, क्या बताओ, कैसे नाचने कूदने से मिला, कैसे मिला धनी? ऐसे तो इंद्रावती सदगुरु के पीछे चर्चा सुन रही थी, जा रही थी, ऐसे बहुत कुछ किया, लेकिन मिला, पूर्ण पहचान नहीं हुई। मैंने बोला ना, जागनी तो होगी, लेकिन वास्तविक जागनी नहीं मानी जाएगी, पूर्ण पहचान नहीं होगी। देखो वीर में तड़पाया, वो वीर धाम धनी ने पूरा प्रकाश में लिखा है, पूरी खटरुति में लिखा है। सुंदर साथ जी जो सदगुरु थे वो स्वयं आए धाम धनी के रूप में, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई, ये वीर की हम दो चौपाइया सुंदर साह जी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और आगे भी बढ़ना है, तो हम गाए सुंदर साह जी चौपाई, एक चौपाई में ऐसे ही बोल लू, फिर हम दो चौपाई गाएंगे। वीरह नाद में बैठने उठने भी ना देवे, लोट पोट भी ना करे, हुका श्वास ले। सुंदर साजी जब हमारे अंदर विरह आएगा, तभी शांति से कहीं चैन से बैठने नहीं देगा। तुम्हारी हमारी अंदर की जो स्थिति है ने, ऐसे पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी जैसे इंद्रावती की हालत हुई। अभी तो हम चैन से बैठ रहे हैं सुंदर साजी, ऐसे हाल में धनी मिलने वाले नहीं है। किस पराकाष्ठा पर पहुंचना है? विराना देवे बैठने उठने भी ना दे, और क्या बोला, लोट पोट भी ना करे। चलो कोई हालत में एक बार छोड़ दे तो वही हालत में हम बैठ लेने, लेकिन वो भी नहीं, वहां भी चैन नहीं, फिर उठ जाए वहां भी चैन नहीं। फिर बोला कि हुक हुक श्वास ले। अंदर से कैसे श्वास ले रही है इंद्रावती? सुंदर साथ जी
मैंने बोला ना धनी को पाना कोई सरल ऐसे धनी कोई कठिन भी नहीं है पाने के लिए, लेकिन हमारी राह कैसी होनी चाहिए, चाहिए विरह और प्रेम की। बार बार ये शब्दों को याद करो, विरह और प्रेम की। यहाँ धाम धनी ने बताया, जब आंसू की तब श्वास भी छोड़ियो संग, जब आंसू की आंग थे तब श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के आवेश दियो मोहे अपनो अंग, सन्मंद है मूल को मैं तो पाँव पल न जान, अब छल बल मोहे क्या करे, अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदत दियो उड़ाए, सन्मंद है मूल को मैं तो पाँव पर, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप करी कारज अपनी पीयु, सन्मंद हे मूल को मैं तो पाँव पल, तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर, तुम आए दुख गया सब दूर, मामती कहे सुख क्यों कहो जो उदिया मूल अंकुर, सन्मा ते मूल को मैं तो पाऊ पल छोड़ियो न जाए। सुंदर साथ जी, अभी तो हमने तीन चौपायों में ये भाव रखा, क्या बोला, जब आंसू के अंग थे तब श्वास भी छोड़ियो संग। क्या कर दिया इंद्रावती ने, छह मास के बाद एक बार राह भी अंदर से जीव भी निकल गया, पराकाष्ठा आ गई विरह की। विरह की व्याख्या नहीं होती सुंदर साजी संसार में, जैसे प्रेम की भी व्याख्या नहीं होती, ऐसे विरह की संसार में व्याख्या नहीं होती। धनी के मिलन की जो तड़प पराकाष्ठा पर पहुंचती ने सुंदर साजी, उसको विरह बोलते हैं। व्याख्या होती नहीं लेकिन की, धनी के मिलन की तड़प जब हमारे अंदर पराकाष्ठा पर पहुंचती उसको बोलते विरह, और उसके बिना एक पल रिया न जाए उसको विरह तामस बोलते हैं। जैसे तामस्या सखिया निकली ने यही पल में निकल गई थी ठोकर लगाकर। तामस्या मतलब कोई अहंकार क्रोध वाली नहीं, यहां और भी बताया कि आंसू की अंग थे श्वास भी छोड़िए तब तुम पर्दा, तभी पर्दा दूर किया, और सदगुरु के रूप में तभी उस इंद्रावती ने बोला, धाम धनी ने किन धन में प्रकरण रखा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम। सुंदर साज जी, जब सदगुरु ने, वहां सिर्फ कौन देख रहा है, उद्धव ठाकुर और श्यामलिया जी नहीं देख रहे, सिर्फ कौन देख रहे, मिहराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म दिख रही है। जब सतगुरु दिखाई दिए, पहले तो देवचंद्र जी के रूप में दिखाई दिए, तब अंदर से विचार आया कि अरे मैं जिसको अभी तक गुरु या सतगुरु के रूप में मानती रही वही साह, साह मतलब अक्षरातीत, जिसको सिंधी में बोला वही साह पीऊ मेरे घर आए मैं पहचान ना कर सकी, वही साह वही पीऊ मेरे घर आए बार बार पुकार की
तो आज हमारे धनी 400 साल से नहीं पुकार कर रहे क्या? वो ईसा मेरे घर पे कितनी बार आ चुके, आज घर घर पे ये साहा आ गए। साहा मतलब अक्षरा तीत, हमारे घर घर पे आ गए। तभी तो एक ही जगत स्वरूप शायद है, आज घर घर पे आ गए ने धाम धनी। आज एक ही घर में ऐसा नहीं है। तभी बोला कि वो साह मेरे घर में आए, मैं पहचान ना सकी और पुकार पुकार कर चले गए। कितना रो रो के प्रकाश में इतना विरह किया इंद्रावती जी ने। उस वो बोल रही है कि धनी मेरे घर आए, आपने व्रज के बारे में रास के बारे में कितनी बातें की, रो रो के बातें की, झुक झुक के बातें की, खंडनी कर कर के बातें की, ऐसे तो भी मैं आपका वचन मानी। किसकी बात कर रहे सुंदर साजी? हमारी बात। किसकी बात है? हमारी बात। और आगे बोला कि धाम धनी तुम सदगुरु अभी तो मेरे को यहाँ ऐसे पूर्ण रूप से तो मिले, लेकिन कैसे नूरी तन में, अभी साक्षात जो पंच महाभूत के तन के रूप में तो नहीं रहे ने, जबी थे। किसकी बात है? गहराई से सुनना। जब थे तभी मैं पहचान नहीं पाई, जो तभी मैं पहचान लिया होता ने तो मैं कैसे रिझा लेती, कैसा सुख लेती। आज वो तन तो नूरी है मेरे सामने, मैं नूरी तन को टच करने के लिए या स्पर्श करने के लिए जाती हूं तो अदृश्य हो जाते, मैं कैसे रिझाऊ उस तन को। समझ में आ रहा है? मेरे धनी मेरे सामने आए, आज मैं लो हम अवसर मिला, आज हम नहीं रिझा ले, आज वो सुख न ले ले, 10 दिन के बाद कोई कहेगा हमको ये सुख, ये मौका बार बार मिलने वाला है क्या? वो इंद्रावती को शिखापंडी सुंदर साथ को कि मेरे सदगुरु मेरे घर पे आए, हे सदगुरु मेरे को भागवत और उसमें जो कबीर और जाति के जो वचन है वो खोल खोल कर मेरे को कौन बताएंगे। अभी दर्द कर रही है क्योंकि सदगुरु सामने नहीं है। जब सामने थे तो पहचान नहीं पाए, बोले कि व्रज रास की बात कौन कहेंगे। इतना ही नहीं, और आगे बोल रहे कि धाम धनी बस प्रत्यक्ष आ जाओ, मेरे को रिझाना है आपको, अभी मैं क्या करूं। आप मेरे सामने से चले गए, रो रो के चले गए, झुक झुक के चले गए, मैंने आपकी एक मानी नहीं, मैं सिर्फ गुरु सदगुरु के रूप में ही मानती रही। ऐसा हमारे पर भी बीता रहा है सुंदर साजी, घटित होता रहा है, लेकिन हम भी आज हमको समय मिला जो धाम धनी की पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर लेंगे तो कोई अवतार या कोई स्वरूप या कोई वाणी अभी दोबारा आने वाली नहीं है सुंदर साजी। कोई अवतार अभी आएगा नहीं, कोई वाणी भी धर्म ग्रंथ अभी अंतिम में आने वाला नहीं है। स्वयं अक्षरातीत आए इस संसार में हमको लेने के लिए। या इंद्रावती बोले कि सदगुरु जब देखे थे उसके बाद श्यामा जी दिखाई पड़ी, उसके बाद उसके अंदर जुगल स्वरूप दिखाई दिए हफ्से के अंदर कारागृह के अंदर, फिर उसके अंदर जब दिखाई दिया ने सुंदर साजी तो वो स्वरूप था तो अंदर, कहीं से नहीं आया। चौथे दिन में किसके अंदर बैठा था? सुंदर भाई श्यामा जी के अंदर। वो स्वरूप एक बार अंदर से बाहर निकल कर दर्शन दिया, ऊपर परमधाम से आते जाते नहीं। समझ में आया? परमधाम गए फिर आए फिर दर्शन दिए फिर परमधाम जाए या कहीं पुरियों में चले जाए या आश्रम मंदिरों में चले जाए, ऐसा नहीं है। धाम धनी कहां बैठे? हमारे गुह्य रूप से बातूनी रूप से हमारे धाम दिल में है, लेकिन हमारे ऊपर माया के पर्दे या फरामोशी के जो आवरण है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। परम धाम से आते जाते नहीं थे, सिपाही के रस रण में वेश में जब दर्शन दिया ना सिपाही वेश में रण में, तो तभी भी उसके अंदर तो बैठा था, ऊपर से थोड़ी आया है। तो यहां भी अंदर से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिया फिर अंदर बैठ गया। अंदर बैठा तो जैसे स्वरूप अंदर बैठा इंद्रावती ध्यान में डूब गई। श्यामल्या भाई और सुंदरसा जी जो उद्धव ठाकुर है उसको पता नहीं है, और अंदर से क्या दिखाई देने लगा? योग माया ब्रह्मांड, बोलो श्री प्राणनाथ। फिर योग माया ब्रह्मांड सिर्फ नहीं दिखाई दिया,
अंदर स्वयं धाम धनी बैठ गए तो वाणी का उत्तरण शुरू हो गया। किस नंबर के प्रकरण से? छठे नंबर के। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहु घणवे करीने स्नेह जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पर न आवे वाणी माहे तेह। ऐसे वाणी उत्तर पहले श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज्य का सुंदर सात का, ऐसे फिर रामते ऐसे रास की रामते उतरती गई उतरती गई। लेकिन उत्तम बाई जो उद्धव ठाकुर के अंदर थी, उत्तम बाई थी ना परम धाम की वासना, तो उसको पता नहीं था। फिर श्यामल्या भाई को भी पता लगा, भाई उद्धव ठाकुर को भी पता लगा कि मिहराज के अंदर अवलौकिक वासना, क्योंकि उसके अंदर तो गुणवंती बाई की वासना थी, उसने तो पहचान लिया कि कोई अवलौकिक शक्ति अंदर बैठी है। और देखो आज प्रकाश पूरा कारागृह में हो रहा है, पूरा हफ्से में हो रहा है, वो प्रकाश को कौन देख लेता है सुंदर साजी? रानिया देख लेता, आगे आएगा वो प्रसंग, रानिया देख लेती दरवाजे के छिद्र से। तो यहाँ श्यामल्या भाई को कुछ ईमान आया, पहले कैसे आते काले पत्थर उते जो डिग हुए, प्रकाश ग्रंथ में लिखा काले पत्थर उते जो डिग हुए। तो कठोर दिल वाले श्यामल्या भाई एक दिन तो चुगली कर रहे थे, आज वो भी झुक गए गिर गए। उसके अंदर पहचान हुई कि मेरे कोई मिहराज लौकिक भाई नहीं है, अवलौकिक नाते से उसके अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्मा के साथ जुगल स्वरूपी विराजमान हो गए। ऐसे वाणी उतरती गई, पहले क्या उतरा सुंदर सा जी? रास, मैंने बताया अभी कि रामत को, रामतों के बाद अंतर ध्यान लीला, फिर धाम धनी प्रकट हुए, फिर जीर्णा भोग और फिर परम धाम चले। तो वहां तक रास की रामते 907 चौपाई में उतरी। तो रास को इंजिल भी कहा गया। और सुंदर साहब जी अंजिल जम्बूर तोरेत और कुरान, ऐसे दूसरे नंबर पे प्रकाश उतरा, उसको कते परंपरा में जम्बूर कहा गया। तीसरे पर वीरो अंदर प्रकट करने वाली पराकाष्ठा का एक प्रखटरुति भी उतरी। चौथे नंबर पे तोरेत, जिसको कते परंपरा में तोरेत कहा गया, वो कलश ग्रंथ की दो चौपाइया, सिर्फ दो चौपाइया, रास प्रकाश खटुति और कलश की सिर्फ दो चौपाइया का बीज मात्र हफ्से में कारागृह में वहां उतरा, जामनगर नवा नगर में प्रबोधपुरी में। उसके बाद कलश कहाँ पूर्ण हुआ? सूरत में पूर्ण हुआ। और उसके बाद प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी आएगा ना, तो वो अनूप शहर में, जब हम जाएंगे ना अनूप शहर में, वहां वो दोनों हिंदी में अवतरण हो गए। उसके बाद किरंतन, किरंतन जामनगर से लेकर पद्मावतीपुरी तक सुंदर साजी उतरे। यहाँ मैं एक बात बीच में रख दूं, क्योंकि बीच में इसलिए नहीं ली कि किरंतन जो पुराना किरंतन है और आखिरी किरंतन है, पुराना किरंतन है किरंतन ग्रंथ के, किरंतन ग्रंथ एक लघु ग्रंथ है, उसके अंदर 125वें नंबर से प्रकरण से लेकर 132 तक का, 133वां नंबर का प्रकरण अंतिम वाला कल हमने देखा उतर गया। कब? अरब जाते थे तभी नाव में, 133 नंबर का प्रकरण उतर गया। तो 125वां नंबर का प्रकरण है वो रुथा का निगमोरे, वहां से लेकर 132 तक का जो प्रकरण है सुंदर साहब जी, वो पुराना किरंतन है। वो 1712 में जब इंद्रावती के अंदर सदगुरु के अंदर जो आवेश शक्ति विराजमान थी वो बैठ गई, लेकिन इंद्रावती को पूर्ण पहचान नहीं हुई है सुंदर साहब जी। वो चर्चा तो करने लगी लेकिन अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई है कि यही स्वयं धाम के धनी, अभी हफ्सा में हुई ने कि यही मेरे सत गुरु थे अभी बोला ने। लेकिन 1712 और 15 के बीच में जो पुराना किरंतन उतरे कुछ कुछ अंश, क्या क्या 125 से 132 तक का, लेकिन इंद्रावती को पहचान नहीं थी। सुंदर साथ के सामने जब चर्चा करते थे इंद्रावती, तो सुंदर साथ बैठे बैठे जब सुनते थे ने, तो उसको पता लगा, क्या पता लगा सुंदर साथ जी कि अरे ये तो सदगुरु तभी चर्चा करते थे, धनी श्री देवचंद्र जी, वो ये चर्चा तो मिहराज कर रहे, उसके अंदर कोई भेद है ही नहीं।
से मैं इतना ही वीरह लेकर, इतना ही दर्द लेकर, इतना ही भाव प्रकट कर, ये तो ये तो यही चौपाई रास वाली के तेहज वाणी ने तेहज ताल चर्चा, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तणी रसाल, तेज वाणी ने तेज चर्चा प्रेम तनी रसाल। उसको ऐसा लगा कि पहले सदगुरु चर्चा करते, वो सदगुरु कहीं गए नहीं है, वो तो मिहराज के अंदर बैठकर चर्चा कर रही है। पहचान तभी हुई, और इंद्रावती को पूर्ण पहचान कब हुई, अब सामे जब सदगुरु ने दर्शन दिया ने तभी हुई। और आगे सुंदर साथ जी किरण तन पुराना महाउत्र आखिरी 1748 के बाद 51 के बीच में 89 से लेकर 92 के बीच का जो प्रकरण है, चलो चलो रे साथ जी अपन जइए धाम, संयाब धाम चले संयाब धाम चलत है, जो ऐसा जो प्रकरण है सुंदर सा जी, सब प्रकरण ये आखिरी किरणतन है। और बीच बीच का जो किरणतन है वो जहाँ जहाँ जिस स्थान पे जिस शहर में गए वहाँ जो जैसे व्यक्ति और सुंदर साथ मिले और आत्मा को पहचान कर ये किरणतन उत्तर तक गए पन्ना तक। और किरणतन के बाद खुलासा और मार्फत सागर की जो सब वाणी है सुंदर साहब जी, वो कथे परंपरा की रामनगर से शुरू तो हो गई, लेकिन वित्तक साहिब में ऐसा बताया कि वो सब पन्ना में कथे परंपरा की वाणी उतरी, वो सनंत अनुच्छेद में उतर गई थी। लेकिन मार्फत सागर, खुलासा और क्यामत, क्यामत में छोटा क्यामत नामा पन्ना में उतरा, बड़ा में क्यामत नामा चित्रकूट में 1743 में वसंत सुर्खी जब उसको लेकर जाते हैं तभी 1743 में बड़ा क्यामत नामा छत्रसाल की छाप है उसके नाम पर उतरता है। तो सुंदर सा जी खुलासा के बाद खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फत सागर, ये सब वाणी रामनगर से शुरू तो हो गई थी लेकिन उतरी का सब 10,000 से ज्यादा चौपाई कहाँ उतरी, पन्ना में उतरी। और जो अंतिम की चौपाई में बताया कि सातों स्वरूप श्री राज के परनामी ने, तो सात स्वरूप श्री राज का क्या, तो आज हम मान्यता के आधार पर परंपरा में समझते आ रहे कि सातों स्वरूप में कोई खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर को लेते हैं, क्या मत तक को साथ लेते हैं, कोई सात स्वरूप में सात परिक्रमा परम धाम की जो है उस आधार पर लेते हैं। लेकिन सुंदर सा जी यहाँ सात स्वरूप की बात की गई है, जो सात किताब हम लेंगे उस आधार पर, तो राज्य के तो 14 अंग है ने, आप बोलते हो ने, राशि चरण प्रकाश पिंडुरिया खटरुति घुटन कलश जंगन की सनंद कमर कर किरणतन सोहे नाभि खुलासा उदर खिलवत की हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख श्रृंगार नासिका सिंधी श्रवण मार्फत नयन सो कयामत नामा 14 अंग मिले एक धनी के। यह 14 अंग किसका है, धाम धनी का। तो मान लो सात अंग थोड़ी धाम धनी के बनेंगे, वो सात अंग कहाँ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, वो सात परिक्रमा है वो तो निज धाम की है। तो यहाँ तो स्वरूप की बात की है, वो तो परिक्रमा की बात आ गई। और लो के दो पांच, दो रास के और पांच अरसे अजीम के, उस बात पर समझेंगे तो उसमें रास की बात आ गई, और यहाँ तो जागृणी ब्रह्मांड में पन्ना की सात स्वरूपों की बात की गई है, तो उसमें सात स्वरूप क्या, तो आप देख लेना सागर ग्रंथ में चौथे सागर में, सागर ग्रंथ उतरा उसमें चौथे सागर में राज्य के जो तीन श्रृंगार है, सुबह से श्रृंगार होते ना, तो जो तीन श्रृंगार का वर्णन हुआ, और चार श्रृंगार क्या, तो जो श्रृंगार ग्रंथ है जो महाश्रृंगार किया गया है उसमें आत्म परामर्श से जागे से प्रकरण से लेकर 10 प्रकरण तक, और बीच में नहीं आत्म परामर्श से जागे से प्रकरण से लेकर 6 प्रकरण तक, चौथा पांचवा और छठा, फिर सातवा आठवा और नौवा नहीं, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ये श्रृंगार जो है सुंदर साथ जी वो पहला श्रृंगार है। तीन तो हो गया, तो चौथे नंबर का श्रृंगार ये हुआ ने, तीन राज्य का सागर श्रृंगार के चौथे सागर में हो गया, और चौथा श्रृंगार श्रृंगार ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण से लेकर बीच में सातवा आठवा नौवा नहीं और 19 तक,
और फिर 20 का दो प्रकरण आया, वो तीसरे नंबर का, और 21 वाला सुंदर शाह जी चौथे नंबर का, और वो पांचवें नंबर का, और तीन तो मां आ गया, तो चार ये हो गया, चार ये हो गया। कैसे हुआ मैं फिर दोहराती हूँ, तीन हो और चार मां क्या, एक से 19 तक, चौथे से 19 तक का चौथा, और 19 से 20 वाला पांचवा, और 21 वाला छठा, और 22 वाला सातवा। तो ये सात जो सिंगार है वो राज्य के है। ऐसे करके पूरी जो हमारी वाणी उतरी सुंदर साहब जी, आज वाणी उतरने के बाद विक्रम सन 1716 में 15 में वाणी उतरी ने, तो 16 में हम कहाँ जाएंगे, जूनागढ़। तो आज जूनागढ़ का किस्सा लेकर दीव में पहुंचना था, पर अभी बस हमारी राह दिखेगी। बोलिए सी हमारी राह सुंदर साजी धाम धनी दिख, क्या करे 5:30 बज गए, लेकिन वाणी की महत्ता मैं 5 मिनट में रख दू कि जो ये वाणी उतरी रास प्रकाश खटृति कलश सनंद किरंतन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत सागर और क्यामत नामा, ये 14 ग्रंथ जो अखंड तारतम वाणी, इस वाणी से क्या क्या होता है सुंदर शाह जी, ये वाणी हमारे घर में आएगी तो आप 8वें नंबर का जो अष्टपहर है, अष्टपहर 8वें नंबर का जो पहर है वो आप विस्तार से पढ़ लेना। मैं अभी 5-7 मिनट में कोशिश कर रही हूँ कि वाणी से क्या होता है, ये वाणी के लिए आज सतयुग से सृष्टि प्रारंभ से आज कई कई लोगों ने इस वाणी के लिए तपस्या की, साधना कठोर की, सुंदर सा जी दिशा निर्देशन भी नहीं कर पाए, अपनी जुबान से या अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से या बुद्धि के बल पर या जीव के बल पर या कोई आत्म आगे बढ़ी तो निराकार तक पहुंच पाई, उससे परे बेहद में कोई नहीं जा पाए। बेहद में प्राणनाथ जी ने बताया कि 5 वासनाएं पहुंची, लेकिन उसके आगे और कोई नहीं जा पाए। परम धाम से तो एक सिर्फ ब्रह्मात्मा ये आई है, वो आई इसलिए ये वाणी आई है और किसी के लिए नहीं आई है। हम ब्रह्मात्मा है, उस वाणी के आधार पर हम अपना अपना घर का निज स्वरूप का और धनी की पहचान कर लेंगे। और ये वाणी क्यों आई, तो के संसार पूरे संसार के जीवों के मुक्ति देने के लिए ये वाणी बताया ने कि सुख शीतल करूं संसार, चोटाड़ी करूं ओलाओ सुख शीतल करूं संसार, अनेक विधे देव सुख मारा साथ ने रास्तना वार। तो ये सुनियो दुनिया आखरी जो भाग बढ़े तुम, तो ये वाणी से क्या क्या बला, क्या क्या हमारे से दूर दज्जाल दूर हो जाते हैं। तो धाम धनी ने 8वें नंबर के पहर में बताया कि वाणी जब हमारे घर में आएगी तो हमारे घर में सुंदर सा जी सुख सुखी सुखी होगा, आनंद आनंद आनंदी होगा, हमारे अंदर इतना प्रेम भर जाएगा। और भी बताया कि त्रिगुण को भी सुनने के लिए वाणी मिली नहीं है, ये शिव जी जब पार्वती जी को कहने के लिए अमरनाथ की गुफा में ले गए, लेकिन वहां सुंदर शाह जी परम धाम के बारे में वर्णन नहीं कर पाए। शिव जी ने महेश स्वतंत्र पुराण संहिता में सुंदर शाह जी बताया कि केवल ब्रह्म को अक्षर माना और शबलिक को अक्षर माना और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया, अगर सत्स्वरूप किया है और दिव्य परम धाम और अक्षर धाम क्या है उसके बारे में शिव जी को पता नहीं लगा। उसने थोड़े अंशों में इस क्रबद का वर्णन किया, लेकिन केवल ब्रह्म की आनंद योग माया ब्रह्मांड में सुंदर शाह जी उसकी सुगंधि से थोड़ा किया, लेकिन वो परम धाम के बारे में शिव जी भी नहीं जान पाए। पार्वती जी ने जानने की तो इच्छा की, हद की बात तो जानी, बेहद की बात पार्वती को नींद आ गई। और ऐसे ऐसे विष्णु भगवान भी, इसलिए तो त्रिगुण की बात बोली कि त्रिगुण को भी सुनने की ताकत ना हो, ऐसे विष्णु भगवान हजारों वर्ष से तप कर रहे थे देवी लक्ष्मी को कह नहीं पाए कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, वो ध्यान भी अखंड योग माया का था, अक्षरातीत का नहीं था। ऐसे ब्रह्मा जी पुष्कर द्वीप में आज हजारों सालों से सुंदर सा जी हिमालय में पुष्कर द्वीप में ध्यान कर रहे हैं, मछली बने योग माया ब्रह्मांड में जो लीला अखंड हुई
और रास और ब्रज की लीला यहाँ हुई, सुंदर साजी ब्रज की यहाँ हुई और रास की केवल ब्रह्म में हुई ने, तो वो लीला को जानने के लिए सुंदर साजी ब्रह्मा जी भी क्या बने, मछली बने ने, और कौवा भी बने, लेकिन वो लीला नहीं जान पाए। तो त्रिगुण को सुनने की ताकत नहीं, और आगे ले लो अक्षर राज्य के एक सत्ता के स्वरूप, स्वरूप एक लीला दो, उसको शुद्ध क्या नहीं थी, अक्षरातीत के माहौल में प्रेमी शक बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किनविद केल नूर जमाल के दीदार को इतावे नूर जलाल, नूर जमाल के अरश में इत रूहे रहे कमाल, कैसे कमाल की रूहे, हम सब रूहे कौन है, हम सब रूहे कैसे रह रही थी, ये पता अक्षर को नहीं था। तो अक्षर ने भी सुंदर साजी किस माध्यम से जाना, फिर मूल स्वरूप बताने बताया ना रास में भी, फिर मिल स्वरूप में देखिया तीत, ये दो खेले मगन होए खेलत, तब जोश लिया खेच कर, तब चित जोग भई अक्षर, अक्षर को क्यों आवेश खेच लिया था, उसको अखंड करने के लिए कि हम क्या लीला परम धाम में कर रहे सुंदर साथ जी। तो अक्षर को भी सुधी नहीं थी, ऐसे स्वप्न के जीव जो है उसको भी हद से परे बेहद की सुधि नहीं थी, वो आज यहाँ बैठे बैठे आज देखो ये बात भूल जाओ, हम जो वही घटाते रहेंगे तो कभी हमारे पर घटाएंगे, जो शुद्ध सपने के जीव को नहीं थी, आज वो कार्यक्रम के माध्यम से वीडियो के माध्यम से संसार के अनंत जीव आज सुन रहे, बहुत लोग आज सुंदर साजी ये बात को सुन रहे, तो उसको भी पता लगेगा कि अक्षरातीत की बात कौन सी है और कहाँ की है, अभी तक तो हमने सुनी भी नहीं थी। मानोगे नहीं आप, कितने लोगों का फोन आ रहा है, बहुत दूर दूर से फोन आ रहा है कि बात कहाँ की कर रहे हो, कैसी बात है, हमने तो अभी तक इस संसार में सुनी भी नहीं थी। हमारे सुंदर साथ का भी बहुत फोन आ रहा है बाहर बाहर से, परसों भी बेंगलोर से फोन था और एक दिन और दिल्ली से था, ऐसे बहुत आ रहे, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी। वो सुंदर साथ बोल रहे कि दीदी अब तक हमने परंपरा में जो सुनते आ रहे मंदिरों में, लेकिन इतने स्पष्टीकरण और प्रैक्टिकल हमारे पर भी तक हो रही है, हमारी घटनाक्रम है ये, तो हमने इस बार पहली बार जाना है, तो आपको खूब खूब प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ऐसे फोन भी आ रहे तो मीडियो से, ये सबका मैं आभारी हूँ, हम सब उसके आभारी है सुंदर साह जी, उसके चरणों में हम भी प्रणाम करें, भले ही पैसे के लिए ये काम बिचारे उस पर हमने एक पैकेज दिए, लेकिन वो काम भी आज धाम धनी की सेवा में लगे हैं ने, तो धाम धनी के दिल में मीडियो वाले भी अखंड, क्योंकि अक्षर के कैमरे ये तो छोटे कैमरे लगे हैं, सिर्फ इतना ही शूट कर रहे, अक्षर के कैमरे कहां से लगे हैं, अक्षर धाम से रिकॉर्ड हो रहा है ना, शूट हो रहा है, शूटिंग हो रहा है, तो पूरी ब्रह्मांड के जीवों का वो शूटिंग कर रहा है, तो इतने छोटे कैमरे और इतने अनंत जीवों का हो रहा है, तो क्या इसका नहीं हो जाएगा, उसका तो धाम धनी आप सबका तो दिल में अखंड कर लेंगे, आप सबकी सेवा तो राज्य के दिल में अखंड हो जाएगी। मैं बार बार सुंदर साथ को बोलती हूँ कि सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ 400 साल पहले चले, उस सुंदर साथ की भी तक तो 4377 चौपाई में लिखी, समझ में आ रहा है, 4377 चौपाई में लिखी, राउंड फिगर 4400 ले लो, 4400, लेकिन जागरणी ब्रह्मांड की जो अभी वितक अभी वर्तमान में हो रही है, वो वितक धाम धनी ने वाणी में बताया कि तुम्हारी वितक जो अंतिम की अभी वर्तमान की चल रही है जागरणी ब्रह्मांड की, ये वितक धाम धनी अनादिकाल तक परम धाम की लीला चलती रहेगी, तब तक याद करते रहेंगे अक्षर, और अक्षर के दिल में 50 साल तक, कितने साल, 50 साल तक धाम धनी ने वाणी में बताया, ये जागरणी ब्रह्मांड की वितक की खुमारी 50 साल तक अक्षर के दिल में रहेगी खुमारी, पर अक्षर की एक पल नहीं हुई है, पल नहीं हुई है, और इतने ब्रह्मांड देख लिए, इतने हजारों वर्ष देख लिए, तो अक्षर की, अक्षर के 50 साल कैसे बीतेंगे, समझ गए, तहां तक उसके दिल में एक खुमारी रहेगी जागरणी ब्रह्मांड की, तो कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साह जी। तो अक्षर को भी ये पता लगेगा, ऐसे हमारी जो वाणी आई है, इस वाणी का अवतरण प्रगटन आज हो गया, ऐसे तो 400 साल पहले हो गया था, लेकिन आज हमारे सभा में, हमारे पंडाल में
आज हुआ, तो ये वाणी का प्रचार प्रसार कीजिए, उसकी सुगंधि को, उस ज्ञान को आज संसार में आप फैलाइए। सुंदर सा जी, और जो हम कॉल कर कर आए वो कर्तव्य हम निभा के वापस जाइए, इतना कहकर हम ये छुपाई को दोहराइए। बोलिए श्री प्राणनाथ। महामति कहे ये मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहो, जो नूरुद्दीन इस्लाम, जो नूरुद्दीन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु धाम के स्वामी श्री लालदासी तीनों पुरी, समस्त सुंदर प्रणाम।